स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, शंकर आईएएस के एनवायरनमेंट की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने आरंभ की थी, उस कड़ी में ये अगला वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में हम झील की पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि झील क्या होती है, झील किसे कहते हैं। यह भी एक प्रकार का जलीय पारितंत्र है, ये बात हम जानते हैं। पानी का यहाँ संग्रह होता है। झील की संज्ञा किस जलाशय को देनी चाहिए, इसकी परिभाषा देखने से मालूम होगा। तो देखिए, एक गहरा और विस्तृत जल क्षेत्र जो कि सामान्य स्थिर जल का क्षेत्र हो, वह झील कहलाता है। सामान्य अगर परिभाषा आप देखेंगे तो एक गहरा विस्तृत, गहरा मतलब गहराई वाला, विस्तृत मतलब फैला हुआ, उसका जो आकार है वो थोड़ा फैला हुआ हो, प्रसार में हो, ऐसा जो जल का क्षेत्र होगा वह स्थिर जल का होना चाहिए, तब उसे कहेंगे झील, उसे झील कहा जाएगा। यहाँ आप परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं। देखिए, कोई भी ठहरे हुए पानी वाला जल निकाय आमतौर पर क्षेत्र की गहराई में काफ़ी बड़ा, उसका जो विस्तार है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर ये आवश्यक बात है। अगर छोटा क्षेत्र होगा तो उसको तालाब कहेंगे। जैसे मान लीजिए छोटा सा जलाशय है, उसका भी जल स्थिर होगा, पानी जो उसमें रुका है वो अगर बहाव वाला नहीं है तो स्थिरता उसमें होगी। तो ऐसे क्षेत्र को जो कि छोटा है उसको झील नहीं कहेंगे, उसको हम तालाब कहेंगे। तालाब का ही जो बड़ा रूप होगा उसको कहेंगे झील, इसका जो विस्तार है वो ज़्यादा होना आवश्यक है। और अपने जल विज्ञान, इसके अतिरिक्त जो पारिस्थितिकी है और अन्य विशेषताओं के बावजूद, यह आमतौर पर झील के रूप में जाना जाता है। वही बात है, मतलब गहराई ज़्यादा होनी चाहिए, तालाब की तुलना में ज़्यादा गहरा होना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ होना चाहिए, ये झील की कंडीशन है। तो इसी की पारिस्थितिकी के बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। और झील के लिए कौन सी चीज़ विनाशकारी होती है, कौन उसे उसकी गुणवत्ता को ख़राब कर देती है, यह सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़े इससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें UPPSC, MPPSC और BPSC द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको जो दो नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। फ्री इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो दो विकल्प आपके पास हैं। एक तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो है, टेलीग्राम पर वनली UPPSC बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से चैनल चलता है, उसे आप अवश्य ही ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितनी भी सूचनाएँ हैं वो समय से प्राप्त होंगी और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। YouTube पर जितने भी वीडियोस आप देखते हैं उन्हें लाइक शेयर करते रहिए। लाइक करने का मतलब ये है कि अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता है तो आप कमेंट में बताइए कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, मतलब वीडियो में आपको कौन सी चीज़ पसंद नहीं आई। अगर सुधारने योग्य होगा तो ज़रूर सुधारा जाएगा। इसके बाद शेयर करने से ये दूसरों तक पहुँचेगा और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ये सब बातें हैं। और वीडियोज़ को देखिए और उससे नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना एक अच्छी बात है जो कि अंतिम समय रिवीजन के लिए आपके लिए सहयोगी होगी। आगे चलते हैं। झील के जलीय पारितंत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है सुपोषण की घटना। ये जो सुपोषण की क्रिया है, इससे झील का पारितंत्र संकट में पड़ जाता है। तो यह जानना आवश्यक है कि यह है क्या, सुपोषण की जो घटना है ये असल में क्या है। तो देख लीजिए, किसी भी जीव की तरह, जैसे झील है तो उसकी तुलना अगर एक जीव से की जाए तो एक जीव की तरह झील का भी एक जीवन चक्र होता है, उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। समय के साथ साथ उसमें गाद और पोषक तत्वों का जमाव होने लगता है, मतलब नीचे जो उसमें तलछट का जमाव होता है उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा जितने पोषक तत्व हैं वो भी जमा होने लगते हैं और इससे क्या होगा, उसकी गहराई भर जाएगी। कोई भी गहरी चीज़ उसमें अगर मिट्टी डालने लगी है, उसे पाटने का प्रयास जैसे किया जाता है, ठीक वही चीज़ झील के साथ भी होती है। झील की जो तली होती है, मान लीजिए ये ऊपर से उसका जो आकार है वो आप देख रहे हैं और नीचे इसकी तलहटी है, यहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत सारे जो गाद है, मतलब तलछट है, मिट्टी का ही घोल होता है, कीचड़ आप कह सकते हैं, वो नीचे जमा होने लगता है। इसके अलावा जितने भी पोषक तत्व है वो जाकर नीचे बैठने लगते हैं। जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें मिट्टी घोल दीजिए, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। कुछ देर के लिए तो पूरा पानी मटमैला हो जाता है, लेकिन उसके बाद पानी की ऊपरी सतह से मिट्टी हटकर नीचे बैठ जाती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ झील की तलहटी में इनका जमाव होने लगता है और इसका सीधा असर झील की गहराई पर पड़ता है। झील की गहराई यहाँ धीरे धीरे खत्म होने लगती है, समाप्त होने लगती है और वह उथली होने लगती है, यह क्रिया होती है।
अब देखिए, हालांकि यह जो प्रक्रिया है यह बहुत लंबी अवधि की होती है। ऐसा नहीं कि एक झटके में मिट्टी आई और ये पूरी पट गई। अगर मानवीय क्रियाकलापों का हस्तक्षेप इसमें नहीं है, मतलब मनुष्य इसको पाटने के लिए हस्तक्षेप ना करे, तो यह अपने से धीरे धीरे पटेगी। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही पट जाएगी। तो यह क्रिया होने में बहुत लंबा समय लगता है। और इस तरह की जो घटना है इसे प्राकृतिक सुपोषण कहा जाता है। यह जो क्रिया है इसे प्राकृतिक सुपोषण के नाम से जानते हैं, यानी नेचुरल यूट्रोफिकेशन। अब देखिए, जो आजकल के मानवीय क्रियाकलाप है, ये तो बात हुई प्राकृतिक घटना की, मतलब प्राकृतिक क्रिया के परिणाम स्वरूप भी झील को धीरे धीरे पटने की जो उसका दौर है उससे झेलना पड़ता है। मतलब झील धीरे धीरे करके पट जाती है, ये प्रकृति भी करती है, लेकिन प्रकृति का काम धीमा होता है और जो मानवीय क्रियाकलाप है उसने इसे बढ़ा दिया है। मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उसकी वजह से पटने की जो गति है उसमें तेजी आ गई और पोषक तत्वों की मात्रा को कृत्रिम रूप से इतना ज़्यादा मनुष्य ने बढ़ा दिया है। जो सुपोषण की बात की जा रही है उसके बारे में, उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि मनुष्य ने पोषक तत्वों की मात्रा को इतना कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया है कि झीलें अपने समय से पहले ही अपनी उपयोगिता को खो दे रही हैं। मतलब जितना उनका जीवन काल था उससे पहले ही वो समाप्त हो जा रही है, मृत हो जा रही है। उपयोगिता खो देने का मतलब क्या है? मृत अवस्था में पहुंच जाना। तो इसलिए यह झीलें जो हैं ये मृत अवस्था में पहुंच रही हैं और इसके पीछे जो मनुष्य के क्रियाकलाप हैं वो जिम्मेदार है। अब यहाँ पर पोषक तत्वों की बात कही गई है, तो ये पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व का मतलब है जितने उर्वरक इस्तेमाल होते हैं, जो खाद होती है। तो कृषि में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक, उसमें भी खास तौर पे जो नाइट्रेट और फास्फेट युक्त होते हैं, ये पौधों के लिए उपयोगी होते हैं इनका। और इसके अलावा जो सीवेज का गंदा पानी होता है, जो सीवर होता है उसका भी जो गंदा पानी होता है, वह सब झील में अगर पहुंच रहा है तो वहां पर जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा में एकाएक वृद्धि होती है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है। और जब एकाएक पोषक तत्व बहुत भरपूर मात्रा में पैदा हो जाएंगे तो वहां पर शैवालों की संख्या बढ़ने लगेगी। वहां पर शैवाल बहुत तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाने लगेंगे और शैवाल जब अपनी आबादी को बढ़ाने लगेंगे तो वह जो झील की ऊपरी सतह है उसको पूरी तरह से घेर लेंगे। इस प्रकार की क्रिया यहाँ देखने के लिए मिलती है। मतलब मान लीजिए ये झील का ऊपरी तल है और यहाँ पर अगर सुपोषण की घटना बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब जो उर्वरक है वो आकर यहाँ घुल रहे हैं, जो कृषि उत्पाद है, इसके अतिरिक्त जो सीवर का गंदा पानी है उसमें भी सुपोषण की मात्रा होती है, मतलब पोषक तत्व होते हैं, तो वो सब आकर झील में घुल रहे हैं। पोषक तत्वों का मतलब क्या? जो पौधों के लिए पोषक हो, जो पौधों का पोषण करते हो, ऐसे तत्वों की यहाँ बात की जा रही है। तो जब पौधों के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी तो यहाँ पर उनका जमाव होने लगेगा, तो अनेक जलीय पौधे और शैवाल जैसी चीज़ें यहाँ पर पैदा होने लगेंगी और वो सब इस जल की ऊपरी सतह को एकदम से घेर लेंगी, मतलब कवर कर लेंगी इस प्रकार से। और ऐसा जब होगा तो आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जल के अंदर कैसे प्रवेश करता है। पहले वो ऊपर की सतह पर आता है और ऊपर की सतह से वो अंदर की ओर जाता है। इस प्रकार से जल के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुछ दूरी तक होती है, कुछ गहराई तक होती है। लेकिन यहाँ पर जब शैवालों की एक परत इसके ऊपर ऐसे इकट्ठी हो जाएगी तो ये सूर्य का प्रकाश अंदर बहुत कम मात्रा में पहुँचेगा, या एकदम सघन अगर इनकी आबादी है तो एकदम से नहीं पहुँच पाएगा। और यह अवस्था खतरनाक होती है। यह अवस्था खतरनाक क्यों है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब रुक जाएगी और अंदर के जो जलीय जीव हैं, अंदर के जो जीव हैं जिन्हें प्रकाश संश्लेषण की सख्त आवश्यकता है, ज़रूरत है, वह धीरे धीरे करके मरने लगेंगे, उन्हें पोषण नहीं प्राप्त होगा। अब जो पोषक हैं और मृत शैवाल हैं उनको अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब जो पोषक तत्व हैं उनका भी अपघटन सूक्ष्म जीव करते हैं, आप जानते हैं। और इसके अतिरिक्त जो शैवाल हैं, शैवाल भी एक अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के बाद मरेंगे। ये जो तलहटी पर शैवाल हैं आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये झील की सतह है, इस पर शैवाल है, इनकी भी तो मृत्यु होगी, ऐसा तो है नहीं कि ये अमर है। तो ये जब मरेंगे तो इनका भी अपघटन करने के लिए सूक्ष्म जीवों को वहाँ पहुँचना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये यही खा पी कर उसे साफ करेंगे, मतलब डिकम्पोज करने का काम करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ देखने के लिए मिल रही है। लेकिन एक चीज़ है कि यह जो अपघटन की क्रिया है इसमें सूक्ष्म जीवों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, सूक्ष्म जीवों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तभी वो इसका अपघटन कर पाएंगे। पर्याप्त मात्रा में अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वह इस अपघटन की क्रिया में असमर्थ हो जाएंगे। अब जब ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ती है तो इससे घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो झील में धीरे धीरे कम होने लगती है। आप सोच कर देखिए क्यों कम हो रही है। जो झील का जल है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शैवाल है उन्होंने ऊपर की सतह को घेर रखा है, तो सूर्य का प्रकाश अंदर पहुंच नहीं पा रहा है, और इस कंडीशन में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो नहीं हो रही है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं होगी तो ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो बाधित हो जाएगा, क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब जब ऑक्सीजन का उत्पादन रुक जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा का घटना स्वाभाविक है, और जो ये सूक्ष्म जीव है ये तेजी से ऑक्सीजन का उपभोग करने लगते हैं। अब घटन करने के चक्कर में ये ऑक्सीजन को लेने लगते हैं और ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं, तो इससे एक बड़ी कमी देखने के लिए मिलती है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम होने लगती है। और जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का कम होने का मतलब है कि जल की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। और जब एक बार घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो जितने जलीय जीव हैं वो धीरे धीरे करके मरने लगेंगे। आपने देखा होगा कभी कभी तालाब में मछलियाँ ऊपर मरी हुई उतर आ जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? बहुत बार ऐसा होता है, और उसके पीछे जो ज़्यादातर कारण होता है वो यही होता है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई थी और मछलियाँ सांस नहीं ले पाई। जैसे जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं उनमें फेफड़े पाए जाते हैं, वैसे ही जो जलीय जीव हैं, प्रायः जितने भी मछली जैसे जलीय जीव हैं उनमें गलफड़े पाए जाते हैं, और यह गलफड़े जो जल में घुलित ऑक्सीजन होती है उसको लेने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार की ऑक्सीजन इन्हें मिल नहीं पाती इसलिए मर जाती हैं। तो ऐसी जो विनाशकारी घटना है वो यहाँ पर पैदा होने लगती है। अब देखिए, ऑक्सीजन की कमी अन्य प्रकार के जो अवायवीय जीवाणु हैं, ऑक्सीजन की कमी जब पानी में होती है तो जितने भी अन्य प्रकार के अवायवीय मतलब जो वायु में न रहते हों, ऐसे जीवाणु, अब ऐसे जीवाणुओं का आप नाम भी जान लीजिए, जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, इस प्रकार का जो जीवाणु है ये क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ये जीवाणु का नाम है, यह जो है ये उत्पन्न होने लगते हैं, इनकी उत्पत्ति को प्रोत्साहित करने का काम ये ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर करती है, इन्हें कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इस प्रकार के जो अवायवीय जीवाणु हैं ये जल में तेजी से बढ़ने लगते हैं, और यह जीवाणु अच्छे नहीं होते। अच्छे क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जहरीले पदार्थों का निर्माण करते हैं, और जब जहरीले पदार्थ पानी के अंदर ही बनने शुरू हो जाएंगे तो यह जलीय और स्थलीय सभी प्रकार के जीवों के लिए हानिकारक होंगे, क्योंकि ये अपने चारों ओर की वायु को सांस लेने के लिए अनुकूल नहीं रहने देते, मतलब इनकी जो क्रियाविधि है वो यही है। तो इस प्रकार से ये जो शैवाल प्रस्फुटन की घटना आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबको देखेंगे अभी बारी बारी, तो शैवाल प्रस्फुटन की जो घटना है जिसे कि एल्गल ब्लूम कहा जाता है, यह काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाती है, और यह जो एल्गल ब्लूम है ये जल के रंग को परिवर्तित कर देता है, पानी का रंग ही बदल देता है। सामान्यतः वह जल के रंग को भूरा या लाल बना देता है, मतलब पानी का रंग या तो भूरा हो जाता है या फिर लाल हो जाता है। तो इस प्रकार का जो क्रिया है या इस प्रकार की जो घटना है इसे लाल ज्वार भी कहा जाता है, इसे रेड टाइड की भी संज्ञा दी जाती है। तो इसी के बारे में हमें देखना था, हम देख रहे थे झील के पारिस्थितिकी तंत्र को जो कि एक जलीय पारितंत्र है, और वहाँ पर जो सुपोषण की क्रिया होती है या घटना होती है वह झील के पारितंत्र के लिए कितनी हानिकारक है इसको हम देखने की कोशिश कर रहे थे। तो आइए इसे पूरा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे झीलों में सुपोषण। झीलों का पोषकत्व संवर्धन शैवाल जलीय पौधों और विभिन्न जीवों के विकास को बढ़ावा देता है, जो उसमें पोषण की घटना है जब वो बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से जितने भी जलीय पौधे हैं जैसे कि शैवाल और इसके अलावा जितने भी जलीय पौधे हैं और जो इस प्रकार के जीव हैं जिन्हें की ज़्यादा सुपोषण की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से बढ़ने लगते हैं क्योंकि उनके लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। अब यह जो जीव हैं जब यह तेजी से बढ़ने लगते हैं तो यह झील के पारितंत्र में हस्तक्षेप करते हैं और इसे प्राकृतिक सुपोषण के तौर पर देखा जाता है। मानव निर्मित जो सुपोषण है उसकी बात नहीं की जा रही है, पहले हम प्राकृतिक सुपोषण की घटना जो है उसको देखेंगे। अब समान रूप से झीलों में पोषक तत्व के संवर्धन की जो मानवीय गतिविधियां हैं, मतलब झीलों में जो पोषक तत्व है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे और उसके पीछे मनुष्य के जो क्रियाकलाप है वो जिम्मेदार हो जाए, तो इस तरह की जो घटना है इसे भी सुपोषण ही कहा जाएगा। लेकिन ये किस प्रकार का है? संवर्धनित है। संवर्धनित है इसलिए क्यों? क्योंकि यह बहुत तेज गति से होता है। जो प्रकृति द्वारा किया गया सुपोषण का क्रियाकलाप है वह भी स्वाभाविक है, मतलब प्रकृति भी झील में सुपोषण को बढ़ावा देती है लेकिन धीरे धीरे देती है, और मनुष्य के जो क्रियाकलाप है वो इसमें गति ले आ देते हैं, इसे एक्सेलरेट कर देते हैं। अब लवणता के स्तर के आधार पर सुपोषण को हम देखेंगे और पोषक सामग्री के आधार पर देखेंगे। तो लवणता के स्तर के आधार पर अगर झीलों का हम विभाजन करें तो यहाँ देखिए मीठे पानी की झीलें हैं और खारे या नमकीन पानी की झीलें हैं। झीलें दो प्रकार की होती हैं,
कुछ मीठे जल की होती हैं और कुछ खारे जल की होती हैं। जो लैगून झीलें होती हैं उनका जल खारा होता है। इस प्रकार से हमने देखा और उनकी पोषक सामग्री के आधार पर, तो देख लीजिए यहाँ पर पोषक सामग्री के आधार पर अगर झीलों को देखें तो मितपोषी, मध्यपोषी और सुपोषी। मितपोषी का मतलब क्या है? यह झील की शुरुआती अवस्था होती है, इसमें बहुत कम पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जो सुपोषण की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो बहुत कम होती है, इस अवस्था को हम मितपोषी या मितपोषणी कहते हैं। इसके बाद मध्यपोषी या मध्यपोषणी, इसमें मध्यम मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी एक एवरेज अमाउंट होता है। इसके बाद सुपोषी या सुपोषणी, इसमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की बहुतायत होती है और यहीं से शुरू होती है सुपोषण की घटना। तो झील में जो सुपोषण की क्रिया होती है वो और कुछ नहीं है, जो मानव उर्वरकों का इस्तेमाल करता है या जो सीवर का गंदा पानी है जब वो जाकर झील में मिलने लगता है। तो पौधों के उगने के लिए, जो जलीय पौधे हैं उनके उगने के लिए अनुकूल परिस्थितियां वहाँ पैदा होने लगती हैं। और इसके अलावा शैवाल भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और ये सब जो बढ़ने वाले यहाँ पर जीव हैं, मतलब वनस्पतियों की बात की जा रही है और शैवालों की, तो यह झील की ऊपरी सतह को इतना घेर लेते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो अंदर की गहराइयों में पहुँच ही नहीं पाता। इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब बाधित होगी तो ऑक्सीजन की जो कमी है वो जल के अंदर दिख जाएगी। जल में घुली हुई ऑक्सीजन वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही मूल रूप से पैदा होती है। और जब जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो जितने भी जलीय जीव इस प्रकार की ऑक्सीजन का सेवन करते हैं वो मरने लगेंगे, जैसे कि मछलियाँ। इस तरह के क्रियाकलाप यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ झीलों की तीन कैटेगरी है, मितपोषणी, मध्यपोषणी और सुपोषणी। अब आइए देखते हैं सुपोषण को लिखित तौर पर, वैसे मौखिक हमने देख लिया है। यह झील में कृत्रिम और प्राकृतिक पदार्थों के मिश्रण की प्रतिक्रिया है। झील में जो कृत्रिम, कृत्रिम मतलब बनावटी या मानव निर्मित, जिन्हें कि आप आर्टिफिशियल कहते हैं, इसके अलावा प्राकृतिक पदार्थों के मिश्रण की प्रतिक्रिया है, जैसे कि नाइट्रेट और फास्फेट। नाइट्रेट और फास्फेट के जो यौगिक हैं, या ये खुद ही यौगिक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस के यौगिकों को ही हम नाइट्रेट और फास्फेट कहते हैं। तो ये बतौर उर्वरक पौधों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वह वर्षा के जल के द्वारा या किसी भी विधि द्वारा झील में पहुंचते हैं और सुपोषण को बढ़ावा देते हैं। तो यह कृत्रिम क्रियाकलाप है, मनुष्य के द्वारा उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो गंदे पानी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को निषेचित करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं, यहाँ पर गंदे पानी, सीवर के पानी या सीधे रास्ते, मान लीजिए खेत के पास कोई झील है और खेत में किसी किसान ने उर्वरक डाल दिया है, और किसान बिना उर्वरक के आजकल खेती तो करते नहीं है, और जितने भी उर्वरक होते हैं वो ज़्यादातर रासायनिक होते हैं, जैविक उर्वरकों का प्रयोग आजकल कम हो गया है। इसलिए क्योंकि जो रासायनिक उर्वरक हैं, केमिकल्स हैं, उनसे फसलें बहुत अच्छी पैदा होती हैं, पैदावार ज़्यादा होती है और किसान की जो आमदनी है वो बढ़ जाती है। उसकी तुलना में जो बायो फर्टिलाइजर आज तक प्रचलित हैं उन पर किसान उतना भरोसा नहीं कर पाता, हालांकि वो भी फायदेमंद होते हैं और वो प्रकृति को कम नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये सब जो क्रियाकलाप है इसकी वजह से, और खेत में मान लीजिए उर्वरक डाला, वर्षा हुई, वर्षा होने से मृदा का अपरदन हुआ और पानी वहाँ से बहकर किसी न किसी रास्ते से झील तक पहुँच गया, तो ऐसे भी सुपोषण की क्रिया बढ़ जाती। अब इसमें कुछ शैवाल और नील हरित बैक्टीरिया, यह बहुत ज़्यादा मात्रा में पनपने लगते हैं, इनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगती है और जनसंख्या विस्फोट के रूप में दिखाई देती है, मतलब बहुत तेज़ी से ये फैलने लगते हैं। जब इन्हें पोषण प्राप्त होता है और एक बार ये झील के बारे में पता पा गए, इन्हें मालूम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ये झील पर हमला बोल देते हैं या किसी भी जलीय तंत्र पर हमला बोल देते हैं और वहाँ तेज़ी से अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं, और कुछ ही समय में ये पूरी सतह को ढक लेते हैं, जिसे कि शैवाल प्रस्फुटन के रूप में जाना जाता है, जिसे कि आप एल्गल ब्लूम के तौर पर देख रहे थे। अब नाइट्रोजन परीक्षण फसल वाले पौधों के लिए आवश्यक उर्वरक की इष्टतम मात्रा को खोजने की एक तकनीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन परीक्षण की बात की गई है, तो यह एक विधि है या एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा फसल वाले पौधे, जितने भी फसल वाले यानी अनाज वाले पौधे होते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, बाजरा, मक्का, इस तरह के जो पौधे हैं, इनमें आवश्यक उर्वरक की इष्टतम मात्रा को खोजने का एक तरीका खोजा गया है। किसान अधिकतर अपने खेतों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर देते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाद डाल देंगे और सोचेंगे कि जितनी ज़्यादा हम खाद डालेंगे उतना ही बढ़िया यहाँ पर जो उपज है वो होगी, अनाज पैदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर पौधे की अपनी एक ज़रूरत होती है, तो जितनी आवश्यकता हो अगर उतने ही उर्वरक का इस्तेमाल किया जाए तो यह जो सुपोषण की घटना है इसको नियंत्रित किया जा सकता है। जो अतिरिक्त उर्वरक होता है वही बहकर वहाँ से झील तक पहुँचता है,
बाकी जो आवश्यक उर्वरक होता है वो तो पौधे की जड़ें अपने अंदर संश्लेषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं। पौधा उतना अपने भोजन के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जो अतिरिक्त होता है वो बहता है या किसी और विधि द्वारा झील तक पहुंचता है या किसी भी जल क्षेत्र तक पहुंचता है और वहां सुपोषण बढ़ाता है। तो नाइट्रोजन परीक्षण के द्वारा जो उर्वरक की मात्रा है उसको निश्चित किया जा सकता है, ये बात है। और हमने शैवाल प्रस्फुटन के बारे में देखा है, तो उसे भी यहाँ पर लिखित तौर पर देख लेते हैं। मौखिक चर्चा हुई थी, उसे यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। शैवाल या फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सूक्ष्म जीव हैं जो प्राकृतिक रूप से तटीय जल में पाए जाते हैं। जो तटवर्ती जल होता है उसमें इनकी उपस्थिति होती है। प्राकृतिक रूप से ऐसा अगर होगा तब, मतलब प्राकृतिक रूप से इनकी जो अवस्थिति है उसको हम देखें तो ये तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। बीच वाले पानी में ये नहीं होते, किनारे पर होते। वे उन जानवरों में से कई के लिए ऑक्सीजन और भोजन का प्रमुख उत्पादक है जो इस पानी में रहते हैं। मतलब ये जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन और भोजन का उत्पादन भी करते हैं। ये जो शैवाल होते हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स जिन्हें हम कह रहे हैं, यह जलीय जीवों को भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से बेकार होते हैं, लेकिन जब जरूरत से ज़्यादा इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो यही भोजन उपलब्ध कराने की बजाय उनका विनाश करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ ये क्रियाकलाप है। और शैवाल प्रस्फुटन का कोई भी रंग हो सकता है, मतलब ये किसी भी रंग के हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं, इनका जो मूल रंग है उस रंग के भी हो सकते हैं, लेकिन प्रायः यह जो है लाल या भूरे रंग का होता है। मतलब लाल होगा या भूरा होगा, और इसीलिए इसे भूरा ज्वार या लाल ज्वार के नाम से जानते हैं, रेड टाइड या ब्राउन टाइड। अब अधिकांश जो शैवाल प्रस्फुटन होता है वो हानिकारक तो नहीं होता, मतलब अधिकांशतः इन्हें नुकसानदेह नहीं मान सकते क्योंकि ये भोजन भी देते हैं, इनकी अपनी उत्पादकता है, लेकिन कुछ विषाक्त पदार्थों का ये उत्पादन करते हैं और इससे जो मछलियाँ हैं, पक्षी हैं, पक्षी भी इससे प्रभावित होते हैं, ये भी बड़ी बात है। इसके बाद समुद्री स्तनधारी जो जीव हैं वो और मनुष्यों को भी ये प्रभावित करते हैं। मतलब स्थल, वायु और जल तीनों में रहने वाले जो जीवधारी हैं वो इनसे प्रभावित होते हैं। इनके द्वारा जो विषैले पदार्थों का उत्पादन किया जाता है उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पर हमने देखा कि शैवाल सिर्फ विनाशकारी नहीं है, इनका जो एल्गल ब्लूम होता है वह जल की जो गुणवत्ता है उसको तो नष्ट कर देता है, लेकिन इनकी एक सीमित मात्रा होनी आवश्यक है क्योंकि ये भोजन भी उपलब्ध कराते हैं जो जलीय जीव हैं उनको। तो अब ये देखना है कि इनका असली उपयोग क्या है, इनका भी अपना एक उपयोग होता है। क्या उपयोग है इसको देख लीजिए। तो देखिए, शैवाल या फाइटोप्लैंक्टन्स की जो अधिकांश प्रजातियां होती हैं, मतलब मैक्सिमम जो इनकी प्रजातियां होती हैं, वह खाद्य जाल की शुरुआत पर ऊर्जा उत्पादकों के रूप में काम आती है। मतलब जो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल का हम निर्माण करते हैं उसमें शुरुआती स्तर पर जो बेसिक होता है वहां पर ये ऊर्जा उत्पादक के रूप में काम करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर का काम करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। और इनके मतलब इनकी अनुपस्थिति में या इनके बिना किसी भी ग्रह पर जीवन की उपस्थिति नहीं हो सकती। मतलब कोई भी ग्रह हो, सिर्फ पृथ्वी नहीं, इस ग्रह पर लिखा हुआ है लेकिन मान लीजिए कोई भी ग्रह हो, अगर वहां जीवन पाया जा रहा है, हालांकि अभी तक सिर्फ पृथ्वी पर ही खोजा गया है, अगर वहां जीवन की उपस्थिति है तो निश्चित रूप से ये भी बात है कि वहां शैवाल पाए जाएंगे। शैवालों की उपस्थिति होना आवश्यक है क्योंकि ये बेस होते हैं, आधार होते हैं, यहीं से ऊर्जा का उत्पादन शुरू होता है और धीरे धीरे जो जीवन का क्रम है वो आगे बढ़ता जाता है और जटिल होता जाता है। तो वर्तमान में हम पृथ्वी पर ही जीवन के बारे में जानते हैं, बाकी किसी ग्रह पर जीवन की खोज नहीं हुई है। संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ संभावना रही होगी जीवन की, लेकिन प्रामाणिक तौर पर किसी जीव की उपस्थिति अभी तक नहीं दर्ज की गई है। सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा एकमात्र ग्रह है अभी तक ज्ञात अवस्था में जहां पर जीवन उपस्थित है। तो ये जो उच्च जीवन का स्तर है ये बिना शैवालों के संभव नहीं है, ये हमने देखा। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने झील के बारे में देखा। झील का अपना एक पारितंत्र होता है, और ये कैसा पारितंत्र है? ये जलीय पारितंत्र है, जल वाला है। और झील हम कहते किसको है? यह ऐसा क्षेत्र होता है जो कि काफी विस्तृत होता है, तालाब जितना संक्षिप्त नहीं होता, इसका विस्तार काफी ज्यादा होता है, गहराई अच्छी खासी होती है और इसका जल स्थिर होता है। नदियों और झीलों में यही अंतर है। नदी का जल बहता हुआ होता है, बहता हुआ पानी एक स्थान से निकला और दूसरे स्थान पर जाकर समाहित हो गया, गिर गया। लेकिन झील का जल स्थायी होता है, उसमें प्रवाह बहुत धीमा होता है और बहाव किसी और भी नहीं होता, संचित होता है ये। और संचित जल में ही एल्गल ब्लूम की जो घटना है वो बढ़ती भी है। अगर जल बहता हुआ होगा तो वहां पर शैवाल टिक नहीं पाएंगे, वो बह जाएंगे पानी के साथ। इसीलिए नदियों में ये जो घटना है ये कम देखी जाती है। हालांकि जहां नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है,
जैसे कि मैदानी इलाके, और आजकल नदियों की जो स्थिति है वो काफी बुरी है। जगह जगह बांध बनाकर नदियों के पानी को रोक दिया गया है। जैसे आपने गंगा को देखा, तो गंगा रिवर जो है क्या उसका प्रवाह इतना ही धीमा है जितना धीमा आप मैदानी इलाकों में देखते हैं? वास्तव में ऐसा नहीं है। गंगा जहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, वहां पर इनका प्रवाह देखने योग्य होता है। बहुत प्रबल वेग से निकलती है और बाद में इन्हें अन्य नदियों का भी सहयोग मिलता है। गंगा तो एक संयुक्त धारा का नाम है। इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं आपको पता है? बताइएगा इसमें किन किन नदियों का जब संगम होता है तो वो गंगा बनती है। तो कुल मिलाकर जब ये पर्वतीय इलाके में उद्गम इसका होता है, मतलब निकलती है, तो इसका वेग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जगह जगह बांध बनाकर इसके पानी को रोका गया है। टिहरी का डैम आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से कई जगह जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो बन रही हैं और बनी हुई हैं। ये सब जल विद्युत के उत्पादन के लिए बनाई जाती हैं और सिंचाई के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। इनका कई उद्देश्य होता है, लेकिन इससे नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदियां जब तक मैदानों तक पहुंचती हैं उनकी जो बहने की रफ्तार है वो धीमी हो जाती है। वैसे भी जो मैदानी इलाके हैं वो समतल होते हैं, और समतल इलाके में किसी भी पानी को बहना, मतलब किसी भी जल को बहना मुश्किल काम होता है। पानी को बहने के लिए ढाल चाहिए, और समतल मैदान में वो ढाल आसानी से उन्हें मिल नहीं पाता, तो इस वजह से भी इनका प्रवाह धीमा हो जाता है। तो ऐसे में कुछ स्थानों पर शैवाल प्रस्फुटन की घटना देखी जाती है। कुछ नदियों में ऐसा देखा जाता है जहाँ प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है। तो धीमे प्रवाह की वजह से भी ऐसा होता है। जब जल एक स्थान पर रुकेगा, बहेगा नहीं तेज रफ्तार में, तो वहाँ शैवाल आसानी से अपना जीवन यापन करने के लिए घर बना लेंगे, और एक बार जो उन्होंने घर बना लिया तो वह पानी के स्रोत पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। तो ये बात है। सुपोषण की घटना को हमने देख लिया, और झील में सुपोषण किस प्रकार से हानिकारक हो सकता है यह भी हम देख चुके हैं। शैवाल प्रस्फुटन की घटना को भी हम देख चुके हैं, और शैवाल का उपयोग क्या है यह भी हमने देख लिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, लाल ज्वार यह जो शब्द है इसके बारे में कुछ चर्चा की गई है। शैवाल प्रस्फुटन की घटना को प्रचलित रूप में लाल ज्वार कहा जाता है, ये बात आपने पीछे देखी है। अब यहाँ पर कहा गया है कि लाल ज्वार एक मिथ्या नाम है, ऐसा क्यों है? ये प्रश्न के तरीके का आपको हेडिंग दिख रहा है। इस हेडिंग में जो लिखा हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। तो ऐसी घटना के लिए लाल ज्वार एक सामान्य नाम है, मतलब सामान्य तौर पर जो एल्गल ब्लूम की घटना है यानी शैवाल प्रस्फुटन की घटना है उसको हम लाल ज्वार कह देते हैं, रेड टाइड कह देते हैं। यहाँ होता क्या है, तो हम जानते हैं कि कुछ जो फाइटोप्लैंकटन्स होते हैं या पादप प्लवक प्रजातियाँ होती हैं वह यहाँ पर फैलने लगती हैं, और इन प्रजातियों में रंजक पाए जाते हैं। रंजक का मतलब जिनके अंदर रंग की उपस्थिति होती है, तो इस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। और जब इनकी मात्रा में तेजी से बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, तो मनुष्य को अपनी आँखों से वह जो जल क्षेत्र है जहाँ पर यह शैवाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं वहाँ का पानी रंगीन दिखने लगता है। रंगीन क्यों दिखता है? क्योंकि इन शैवालों के अंदर रंजक पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है। अब वर्णक जिस रंग का होगा पानी वैसा ही दिखेगा, तो प्रायः लाल या भूरा दिखता है, इसलिए इसे लाल ज्वार कह दिया जाता है। ये वास्तव में कोई ज्वार या भाटा नहीं है, ऐसा नहीं कि ये टाइडल वेव्स हैं। ये वास्तव में जीव होते हैं जो कि जल की सतह पर कब्जा जमा लेते हैं और अपने रंजकों की वजह से ये जल के रंग को परिवर्तित कर देते हैं। अब प्रस्फुटन की जो घटना होती है इसमें पानी का रंग कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ जीवों की सांद्रता कितनी है, मतलब जीव कितनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पाए जा रहे हैं। जो शैवाल हैं उनकी उपस्थिति कितनी है इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। और एक बात ये भी है कि उनका वर्णक किस रंग का है, मतलब उनका जो रंजक है वो किस रंग का है, ये यहाँ पर मुख्य बात है। जिस रंग का होगा ज़्यादातर पानी का रंग वैसा ही दिखेगा, तो प्रायः ये लाल या भूरा दिखता है। वैसे ये हरा भी दिख सकता है, नारंगी भी दिख सकता है, इसके और भी रंग हो सकते हैं, लेकिन जो जो एक मैक्सिमम अमाउंट में हमें दिखता है वो लाल होता है, इसीलिए इसे रेड टाइड कहा जाता है, लाल ज्वार कहा जाता है। यहाँ पर टाइड जैसी कोई बात नहीं है, ज्वार इसे असल में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो वृद्धि है वो बहुत तेजी से होती है। और आपने देखा है कि ज्वार में क्या होता है, ज्वार भाटा में उसमें जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत तेजी से ज्वार वाली कंडीशन में ऊपर की ओर उठती हैं या तेजी से आगे की ओर बढ़ती हैं, और भाटा में पीछे की ओर हट जाती हैं। ये चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। तो लहरों में जब उछाल उत्पन्न होता है या उभार उत्पन्न होता है तो यह घटना ज्वार कहलाती है। और वही चीज़ यहाँ भी होती है, यह जो शैवाल है इनकी जनसंख्या में एकाएक उछाल होता है, मतलब ये तेजी से बढ़ने लगते हैं, इसलिए इसे ज्वार की संज्ञा दी गई है। और लाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी का रंग लाल हो जाता है या लाल दिखाई देता है। तो ये बात है, पानी लाल नहीं होता, ये जीव ही लाल रंग के दिखते हैं, और ये चूंकि ऊपरी सतह पर अपना कब्जा जमाए रहते हैं इसलिए पूरा पानी ही लाल दिखने लगता है या भूरा दिखने लगता है। ये घटना है। और शैवाल प्रस्फुटन का कारण क्या है ये बात आप देख ही चुके हैं। दो कारण हैं, एक तो
पोषक तत्वों का संवर्धन है और दूसरा गर्म पानी है। पानी के तापमान का बढ़ना यह भी इनको इनको निमंत्रण देने का काम करता है, इन्हें बुलावा देता है। और पोषक तत्वों की अधिकता ये आप देख ही चुके हैं, सुपोषण की वजह से ये बहुतायत मात्रा में जन्म लेने लगते हैं। यहाँ तक हमने झील के पारितंत्र को देखा और उसमें जो मूल संकट था इसकी पारिस्थितिकी पर, जो सबसे गहरा संकट मंडरा रहा था, वो था शैवाल प्रस्फुटन का। और वो कैसे उत्पन्न हुआ था? सुपोषण से हुआ था। तो सुपोषण की जो क्रिया है, अगर उसे प्रकृति करती है तब तो वो उतनी घातक नहीं होती। हालांकि झील उस अवस्था में भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, या झील के मृत होने की क्रिया होती है। झील का भी अपना एक जीवन काल होता है। लेकिन अगर ये जो क्रियाकलाप है ये मानव द्वारा तेज कर दिए जाए, मतलब इनकी गति को बढ़ा दिया जाए, मनुष्य इनकी गति को बढ़ाने का काम करता है अपने जो दैनिक क्रियाकलाप है उनसे, तो ऐसी कंडीशन में ये घातक हो जाता है। यह घातक इसलिए हो जाता है क्योंकि झील समय से पहले ही सूखने लगती है, समाप्त होने लगती है, उनके जल की गुणवत्ता खत्म होने लगती है और उनका समापन होने लगता है। और झील का समाप्त होना मतलब एक बड़े जल स्रोत का सूख जाना, और किसी भी जल स्रोत का सूखने का मतलब है कि जो भूमिगत जल है उसके स्तर में तेजी से गिरावट होगी। जिस एरिया में झील, नहरें या तालाब होते हैं, या कुएं ही, कुएं तो मान लीजिए वो भूमिगत जल का ही स्रोत होते हैं, कुएं को इसमें नहीं रख सकते, तालाब, झीलें और नदियाँ, और नदियों के साथ साथ नहरें भी, यह जिस इलाके में होती हैं या जहाँ से गुजरती हैं, वहाँ जो भूमिगत जल का स्तर है आसपास का, वो कभी भी जल्दी नीचे नहीं जाता। बहुत रेयर कंडीशन होती है कि वो नीचे जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? वहाँ की जो जमीन है वो पानी को तेजी से सोखती है और अंदर रिचार्ज होती रहती है, मतलब रिफिल होती रहती है। तो पुनर्भरण की जो यहाँ पर क्रिया है वो होती रहती है। लेकिन झील सूख जाएगी तो वहाँ जो भूमिगत जल का स्तर है वो तेजी से कम होने लगेगा। इसके अतिरिक्त झील में जितनी भी विविधता थी, मतलब जैव विविधता थी, वो भी नष्ट हो जाएगी। तो यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और इसको रोकथाम करने के लिए हम मनुष्यों को ही कदम उठाने हैं। सुपोषण की जो क्रिया है उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो आगे चलते हैं। अब जो अगला पारितंत्र है वो भी जलीय ही है, और जलीय पारितंत्र में हम जो आर्द्र भूमियों का पारितंत्र है इसको देखेंगे। आर्द्र भूमियों की चर्चा पहले भी कई वीडियोस में हो चुकी है, वहाँ मौखिक तौर पर बता दिया गया था, मतलब ऐसे ही बोल दिया गया था, लेकिन आप यहाँ पर लिखित देखेंगे, आर्द्र भूमियों के बारे में देखेंगे, और उसके बाद इनके संरक्षण के लिए सरकारें या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास हैं उनको भी हम देखेंगे। तो पहले यह देख लेते हैं कि आर्द्र भूमियाँ असल में होती क्या है। आर्द्र भूमियाँ यानी वेटलैंड्स, अब इनके बारे में देखना है। यह भी जलीय पारितंत्र होते हैं, लेकिन किस प्रकार का जलीय पारितंत्र होते हैं? इनका जो गुण है, इनका जो स्वभाव है, वो थोड़ा अलग होता है। यह न तो गहरे होते हैं और न ही स्थलीय होते हैं, मतलब न तो एकदम से समतल या सपाट होते हैं, न ही इनमें ज़्यादा गहराई होती है। यह उथले होते हैं, मतलब ये पानी को अपने यहाँ स्टोर करके रखते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, अधिकतर मात्रा में ये जल को सोख लेते हैं और कुछ मात्रा में जल इनकी सतह पर रहता है, लेकिन ये बहुत गहरे स्रोत जल के नहीं होते। जैसे झील थी तो वो काफ़ी गहरी थी, तो झील के जैसे ये गहराई वाले नहीं होते। अब ये दलदली या जल वाले क्षेत्र हो सकते हैं, मतलब दलदल भी इसमें आता है। आर्द्र भूमियों में हम दलदल को भी देख सकते हैं, जहाँ पर कोई भी चीज़ आसानी से धंस सकती है। और जल वाले जो क्षेत्र होते हैं वह भी अगर इस जो कंडीशन है इसको फॉलो करते हैं, मतलब इसे पूरा करते हैं, तो वह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर साल भर या साल के कुछ महीनों में, कम से कम कुछ महीनों में, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जो शांत या बहता हुआ जल भी अगर है, मीठा या खारे पानी वाला क्षेत्र है, उसको भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्री या गैर समुद्री जल का भी जमाव हो रहा है, तो इस प्रकार का जो पारितंत्र है वो आर्द्र भूमि कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि इनमें साल भर पानी रुका हुआ होना चाहिए, या फिर साल के कुछ महीनों तक जल का जमाव होना चाहिए। जल मीठा भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है, प्राकृतिक रूप से जल का जमाव हो सकता है, या कृत्रिम रूप से भी जल को इकट्ठा करके आर्द्र भूमियाँ बनाई जा सकती हैं। वह कृत्रिम आर्द्र भूमियाँ होंगी, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा गैर समुद्री जल हो सकता है या समुद्री जल हो सकता है, मतलब पानी कैसा भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बस यही बात है कि पानी टिका हुआ होना चाहिए। बहता हुआ पानी है तब भी उस जमीन पर हमेशा पानी की मौजूदगी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जमीन वहाँ की पानी को सोखेगी और नमी का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से बनती हैं आर्द्र भूमियाँ। भूमि मतलब होता है जमीन, और आर्द्र मतलब नमी युक्त या गीली। तो यह गीली जमीन होती है, सरल भाषा में कहें तो यह गीली जमीन होती है। अब इसकी जो गहराई है, अगर ये मतलब समुद्र के संदर्भ में बात की जाए, तो यहाँ पर जो गहराई है वो निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक की नहीं होनी चाहिए। ये बात है, मतलब निम्न ज्वार के समय जो गहराई है उसका जो
स्तर है वो 6 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वो आर्द्र भूमि के क्षेत्र में नहीं आएगा। और आर्द्र भूमियों को हम सरल रूप में गहरे जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमण का क्षेत्र मानते हैं। जो गहरा जलीय पारितंत्र है, मान लीजिए ये समुद्र है, काफी गहरा है, और यहाँ पर जमीन है, ये मैदानी इलाका है, और बीच में यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र बन रहा है जहाँ पर स्थल के भी गुण पाए जा रहे हैं और जो जल की प्रॉपर्टी है, जल के गुण है, वो भी पाए जा रहे हैं। ये किनारा है, तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर समुद्री नमी भी है और स्थल के भी गुण है, मतलब जमीनी स्तर भी है, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, पानी रुका हुआ है लेकिन नमी ही सिर्फ है, ज़्यादा गहराई उसमें नहीं है। तो ये बीच वाला जो संक्रमण क्षेत्र है, बीच के संक्रमण की जो दशा है, यही कहलाती है आर्द्र भूमि। जैसे हमने देखा वन पारितंत्र और मरुस्थल के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है वो घास भूमियाँ कहलाती हैं, चारागाह कहलाते हैं, ये बीच की अवस्था होते हैं। वैसे ही यहाँ पर आर्द्र भूमियाँ जो समुद्री पारितंत्र या झील का पारितंत्र है उसमें और स्थल खंड के बीच में सैंडविच होती हैं, ये संक्रमण का काम करती हैं। और संक्रमण जहाँ भी होता है तो वहाँ पर दोनों तरफ की जो चीज़ें हैं उनके गुण उपस्थित होते हैं। तो वही चीज़ आर्द्र भूमियों के साथ भी होती है। अब आर्द्र भूमियों में छिछले बाढ़ के मैदान भी आ सकते हैं। जहां बाढ़ का पानी रुकता हो वहां भी आर्द्र भूमियां बन सकती हैं। ये मैदान कैसे होते हैं? छिछले होते हैं। इसके बाद जो दलदली और कीचड़ युक्त क्षेत्र हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। झील का भी जो छिछला क्षेत्र है वो भी इसमें आ सकता है। झील गहरी तो होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किनारे से लेकर अंदर तक एक समान गहरी होगी, उसकी गहराई एक समान नहीं हो सकती। तो जहां पर उसकी गहराई कम होती है और छिछला क्षेत्र होता है वह भी आर्द्र भूमियों की कैटेगरी में, श्रेणी में आ सकता है। अब झील से इनकी जो परिस्थिति है थोड़ी सी अलग होती है, यह थोड़ी सी भिन्न होती है। जो आर्द्र भूमियां होती है वह झील से थोड़ी अलग परिस्थिति वाली होती है। इनमें अनेक जलीय और स्थलीय जीव दोनों पाए जाते हैं। स्थलीय जीव भी इनमें रहते हैं और जलीय जीव भी अपना आवास बनाते हैं। दोनों के लिए अच्छी परिस्थितियां पाई जाती हैं, जैसे कि कई बड़े पक्षी होते हैं, इसके बाद बड़े कशेरुकी प्राणी होते हैं और मछलियां भी होती हैं, मछलियां भी इसमें पाई जाती हैं। इसलिए इनकी जो पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है, जो इनकी पारिस्थितिकी के हिसाब से उत्पादकता है, उत्पादन करने की जो क्षमता है और जैव विविधता, दोनों ही झील की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होती है। झील के मामले में ये काफ़ी अमीर होते हैं, जो आर्द्र भूमियों वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। इतनी ज़्यादा जैव विविधता न तो झील में पाई जाती है न ही स्थल पर पाई जाती है। तो जैव विविधता के मामले में ये काफ़ी प्रचुर होते हैं, संपन्न होते हैं। अब यहाँ पर आर्द्र भूमि में उगने वाले जो जलीय पौधे हैं, हमने देखा कि आर्द्र भूमियों में जो वनस्पतियां हैं और जो जीव हैं दोनों की ही प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, और जीव भी हर प्रकार के पाए जाते हैं, कुछ पक्षियों का भी आवास होता है। इसके अलावा जो जलीय जीव हैं वो तो रहेंगे ही, और कुछ कशेरुकी प्राणी भी यहाँ आकर रहने लगते हैं, यहाँ अनुकूल दशाएँ उनके जीवन के लिए मिलती हैं। तो जो पौधे उगते हैं, वनस्पतियों की अगर बात करें, और खुली आँखों से या सामान्य आँखों से जिन पौधों को हम उनमें देख पाते हैं, आर्द्र भूमियों में कुछ पौधों की पैदावार होती है, और अगर हम उन्हें नग्न आंखों से, मतलब बिना किसी सूक्ष्मदर्शी या उपकरण के हम देख ले रहे हैं, तो इस प्रकार के जो पौधे हैं उन्हें मैंग्रोफाइट कहा जाता है। यह जो पौधे हैं इन्हें मैंग्रोफाइट के नाम से जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं मैंग्रोफाइट असल में होते कैसे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है आर्द्र भूमि, ये एक गढ़ही का चित्र है। गढ़ही मतलब समझ रहे हैं, जहां गड्ढा होता है और पानी वहां इकट्ठा होने लगता है। तो वहां की जो जमीन है वो दलदली हो जाती है, पानी वहां उथला होता है और बहुत तरह के जलीय जीव वहाँ अपना आवास बना के रहते हैं। ये देखिए नीचे पानी की अवस्थिति है, ये आप देख सकते हैं, ये कैसा पानी है, बिल्कुल कीचड़ युक्त पानी है। इसके ऊपर शैवालों का डेरा है, और ये पक्षी आप देख ही रहे हैं, इसको अपना भोजन यहाँ से प्राप्त होता है। इसी प्रकार के बहुत सारे जीव यहाँ रहते हैं। और हम बात कर रहे थे मैंग्रोफाइट की, तो वह मैंग्रोफाइट वनस्पतियाँ कुछ इसी प्रकार की होती हैं, और भी इसकी प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन यह जो पौधे आपको दिख रहे हैं ये आर्द्र भूमि में उगे हुए हैं और इन्हें हम मैंग्रोफाइट कह सकते हैं। यह जो वनस्पतियां हैं ये मैंग्रोफाइट कही जा सकती हैं। क्यों कही जा सकती हैं? क्योंकि इन्हें आप अपनी आंख से देख रहे हैं, इसके लिए किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपने देखा, ये है पूरा आर्द्र भूमि का पारितंत्र, ये और ज़्यादा प्रचुर होता है, सघन होता है। यह तो सिर्फ इसका एक उदाहरण है। इस पक्षी को आपने देखा एक जीव के तौर पर, और नीचे आपने इस जमीन को देखा जो कि कीचड़ युक्त है, यहाँ पानी रुका हुआ है लेकिन बहुत गहरा पानी नहीं है, और इसमें कुछ वनस्पतियां भी जम जाती हैं इस प्रकार की। यह सब कुछ हम देखकर आगे चलते हैं। अब पारिस्थितिकी की उत्पादकता को बढ़ाते हुए, मतलब पारिस्थितिकी की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाते हुए, ये आर्द्र भूमियां हमारे लिए काफी प्रकार से सहयोगी होती हैं। जो आर्द्र भूमियां हैं वह हमारा किस प्रकार से सहयोग करती हैं? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह
जो पोषक तत्व हैं उनका फिर से निर्माण करने में सक्षम होती हैं। जितने भी पोषक तत्व जल के अंदर विलुप्त हो गए रहते हैं या कम हो गए रहते हैं उनका ये फिर से निर्माण कर सकती है। इसके अलावा जो जहरीले तत्व हैं उनको निष्क्रिय करने का काम करती है। जो जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें यहाँ पर निष्क्रिय करने का काम भी इन्हीं का होता है। और यही वजह है कि इन आर्द्र भूमियों को प्रकृति की किडनी कहा जाता है, प्रकृति का वृक्क कहा जाता है, क्योंकि वृक्क का हमारे शरीर में क्या काम होता है, वह रक्त को छानकर शुद्ध करता है, उसमें से जो यूरिया या अन्य विषैले पदार्थ है उसको बाहर कर देता है, यही वृक्क का काम होता है। अगर किसी मनुष्य की किडनी या वृक्क खराब हो जाए तो उसकी डायलिसिस करनी पड़ती है। डायलिसिस के द्वारा भी हम वही क्रिया करते हैं लेकिन मशीनों के द्वारा करते हैं, प्राकृतिक रूप से वह नहीं हो पाती। और अगर ऐसा ना किया जाए और किडनी खराब रहे तो पूरे मनुष्य के शरीर में यूरिया भर जाएगी, मतलब जो खून है वो विषैला हो जाएगा और अंत में उसे मरना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये प्रकृति के लिए वही काम करती है, प्रकृति का शोधन करने का काम करती है। जितने भी विषैले पदार्थ हैं उन्हें सोख लेती हैं और बाहर कर देती हैं, और जितना भी शुद्ध चीज़ है वो प्रकृति को लौटा देती हैं, यानी जलीय तंत्र को वापस कर देती हैं। अब ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं यह अवसादों को भी रोकती हैं। जो अवसाद होते हैं यानी तलछट या गाद होती है उसके जमाव को रोकती है, नदियों में या झीलों में उसको प्रवेश नहीं करने देती। इस प्रकार से ये बाढ़ पर भी नियंत्रण करती है, क्योंकि बाढ़ कब आती है, जब नदियों का जल बाहर निकलने लगता है, मतलब अपने बेसिन क्षेत्र को छोड़कर वो मैदानों में प्रवेश करने लगता है, तो ऐसी स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं। अब जो बाढ़ की स्थिति होती है वो ज़्यादा तब आने लगेगी जब नदियों का जो अंदर का गहराई है, नदियों की जो गहराई है वो जब सिकुड़ने लगती है तब बाढ़ की घटना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि नदियों की गहराई जब सिकुड़ने लगेगी, नदियों की गहराई कम होने लगेगी, तो इससे उसमें पानी कम मात्रा में स्टोर हो पाएगा और जो वर्षा का जल है वो तेजी से बाहर ओवरफ्लो करने लगेगा, बहने लगेगा। इस प्रकार की घटना होती है। जैसे मान लीजिए आप एक बाल्टी में पानी ले लीजिए पूरा भर कर, लेकिन ऐसा भरिए कि उसका जो पानी है वो बाहर गिरना नहीं चाहिए, और उसमें आप पत्थर के बहुत सारे टुकड़े ले आकर भर दीजिए या बहुत सारी मिट्टी ही ले आकर डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि जब अतिरिक्त पदार्थ आपने उसमें डाल दिया तो पानी बाहर बहने लगेगा, बाहर की ओर ओवरफ्लो करने लगेगा। तो नदियों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। नदियों के जो तलहटी है उसके जो नीचे का तल है उसमें तलछट का जमाव होने लगता है, गाद जमा होने लगती है, उससे नदियाँ पटने लगती हैं। इसके अलावा जो मनुष्य के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भी वहाँ जाकर गिरते हैं, कूड़ा कचरा, जो प्लास्टिक का कूड़ा है और तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो नदियों के तल में जमा होने लगती हैं, इससे नदियाँ पटने लगती हैं, तो पानी उनमें एक भरपूर मात्रा में रुक नहीं पाता और बाहर निकलने लगता है, तो बाढ़ आती है। तो उस पर उस बाढ़ का नियंत्रण भी ये आर्द्र भूमियाँ करती हैं। यह जो आर्द्र भूमियाँ हैं यह कई प्रकार की होती हैं, मतलब इनके भी कई प्रकार बटे हुए हैं। जो प्रकार है उनको देख लेते हैं। तो एक तो अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियाँ होती हैं। अंतःस्थलीय का मतलब अंदर वाली, जो स्थलखंड के बीच में या मध्य के भूभाग में पाई जाती हैं उनको कहते हैं अंतःस्थलीय। और एक तटवर्ती आर्द्र भूमियाँ होती हैं। तटवर्ती वो होती हैं जो कि जैसे प्रवाल भित्तियाँ हो गई, इसके अलावा मैंग्रोव के जंगल हो गए, यह सब तटवर्ती आर्द्र भूमियों का हिस्सा होते हैं। तो यह दो प्रकारों में बटी हुई है। अंतःस्थलीय में आप दो तरह की आर्द्र भूमियों को देखेंगे, एक तो झील तालाब या गोखुर झील वाला पारितंत्र होगा, इसके अलावा दलदली या कीचड़युक्त भूमि अगर किसी भी स्थलखंड के बीच वाले क्षेत्र में पाई जा रही है तो वो आर्द्र भूमियों में ही गिनी जाएगी। इसके अलावा जो जलाशय होते हैं वो भी अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियों का ही हिस्सा होते हैं। लेकिन जो तटवर्ती आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनमें मुख्य रूप से आप मैंग्रोव को देखते हैं, एस्चुरी को देखते हैं, एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख, और इसके अलावा प्रवाल भित्तियाँ, ये भी आर्द्र भूमियों का ही काम करती हैं। क्रीक होते हैं, लैगून होते हैं, खाड़ियाँ होती हैं, इस प्रकार की जो संरचनाएँ होती हैं वो सब तटवर्ती आर्द्र भूमियों में गिनी जाती हैं। इसके अलावा जो जलीय कृषि की हम बात करते हैं वो भी तटवर्ती आर्द्र भूमि का ही एक नमूना है। तो ये कुछ बातें हैं, अब इन्हें लिखित तौर पर आप देख लीजिए। तो देखिए अंतःस्थलीय जो आर्द्र भूमियाँ हैं यह दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरी मानव निर्मित। तो जो प्राकृतिक है उनको देखते हैं। प्राकृतिक में झील हो गई, तालाब हो गए, गोखुर झील हो गई, और जल जमाव वाले क्षेत्र हो गए दलदल और पंख हो गया। पंख मतलब कीचड़, पंख का मतलब होता है कीचड़, और इसीलिए कमल को कहा जाता है पंकज, यानी पंख से जन्म लेने वाला, कीचड़ से पैदा होने वाला, तो ये कमल है। तो कुल मिलाकर जो कीचड़ वाले क्षेत्र होते हैं वह भी अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियों में ही आते हैं, और यह सब प्राकृतिक होते हैं, हालांकि मनुष्य के क्रियाकलाप इसके लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद मानव निर्मित जो आर्द्र भूमियाँ हैं उसमें जलाशय आते हैं। जो मनुष्य के द्वारा खोदे गए जलाशय होते हैं उनकी बात की जा रही है, और ऐश पौंड आते हैं, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मनुष्य खुद बनाता है।
और जो प्राकृतिक चीजें हैं वह भी अंतरस्थलीय आर्द्र भूमियों का हिस्सा होती हैं। ये तो बात हुई अंदर वाली आर्द्र भूमियों की जो कि इनलैंड में होती हैं। इसी तरह से जो बाहर वाली हैं उनको देख लेते हैं। बाहर वाली यानी तटवर्ती जो आर्द्र भूमियाँ हैं उसमें प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो प्रवाल भित्तियाँ, ज्वारीय समतल, इसके अलावा मैंग्रोव, ज्वार नदमुख, लैगून, अप्रवाही जल, संकरी खाड़ी और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, मतलब इस तरह की जो स्थलाकृतियाँ या विशेषताएँ हैं, विशेष क्षेत्र हैं, वो तटवर्ती आर्द्र भूमियों में गिने जाते हैं। और मानव निर्मित में अगर हम देखें तो मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन जहाँ होता है तो उन क्षेत्रों में भी मतलब तटवर्ती आर्द्र भूमियाँ पाई जाती हैं और ये मानव निर्मित होती हैं। इसके बाद लवण की क्यारी होती है, जो नमक की क्यारियाँ होती हैं उनकी बात की जा रही है, तो वह भी तटवर्ती आर्द्र भूमियों का ही काम करती हैं। तो इस प्रकार से तटवर्ती आर्द्र भूमियों को भी दो भागों में हमने बांट कर देखा और जो अंतरस्थलीय थी उन्हें भी हमने दो भागों में बांट कर देखा। यह आर्द्र भूमियों के प्रकार थे। इसके बाद आर्द्र भूमियों के जो कार्य हैं वो आप सुन चुके हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ लिखित तौर पर देख लीजिए। पहली चीज़ तो इनकी जैव विविधता काफ़ी समृद्ध होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रचुर होती है अपनी अपने स्थान पर। यह झील की तुलना में कहीं ज़्यादा जीवों को आश्रय देते हैं और हर प्रकार के जीव यहाँ पाए जाते हैं। तो जलीय वनस्पतियों, जीवों और पक्षियों के ये आवास होते हैं। इसके बाद सतह के पानी से अवसाद और पोषक तत्वों का ये निस्पंदन करते हैं, मतलब जो पोषक पदार्थ हैं उन्हें सोखने का काम करते हैं और पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति करने का भी ये काम करते हैं, पोषक तत्वों को वापस लौटाने का भी काम करते हैं, जल का शोधन करते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं और बाढ़ को रोकने का काम करते हैं। जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो बाढ़ को रोकती हैं। कैसे रोकती हैं ये आप देख ही चुके हैं, नदियों के अंदर गाद को ये जमा नहीं होने देती और गाद जब नदियों में जमा नहीं होगी तो बाढ़ की समस्या पर थोड़ी लगाम लगेगी, कम मात्रा में होगी। इसी प्रकार से ये भूजल का पुनर्भरण करती हैं, जो जमीन के अंदर का भूमिगत जल है जिसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं, पेयजल के तौर पर करते हैं, उसको ये फिर से रिफिल करने का काम करती हैं, क्योंकि ये पानी को सोखती हैं और पानी को जब सोखेंगी तो वह पानी धीरे धीरे करके जमीन के नीचे वाली सतह में जाएगा। मान लीजिए किसी जमीन के ऊपर वाले तल पर कोई आर्द्र भूमि थी, और आर्द्र भूमि का मतलब क्या कि वहाँ नमी तो होगी ही, तभी तो आर्द्र भूमि बनेगी। तो वो नमी धीरे धीरे करके जमीन के नीचे पहुँचती है और वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ भूमिगत जल का स्टोरेज होता है, भंडार होता है। तो इस प्रकार से जो भूमिगत जल है उसका पुनर्भरण होता है, वो एक बार फिर से रिफिल हो जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रजातियों के पौधों के लिए यह अनुवांशिक जलाशय का काम करती है, जैसे कि चावल, धान की खेती के लिए यह आर्द्र भूमियाँ काफ़ी सटीक होती हैं और काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और राजस्थान में तो कृत्रिम आर्द्र भूमियाँ बनाकर धान की खेती की जाती है। राजस्थान यानी रेगिस्तानी इलाका, वहाँ वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ऐसी परिस्थिति में धान का उग पाना काफ़ी असंभव जैसा काम है, धान को उगा पाना मुश्किल काम है, लेकिन वो लोग ऐसा कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो वो वर्षा के जल को एक स्थान पर किसी खेत या क्यारी में संचित करके रखते हैं, मतलब पानी को एक क्यारी में या खेत में भरने देते हैं थोड़ा गहरा करके, जब बरसात आती है या नहरों के द्वारा, और जब वहाँ की ज़मीन भरपूर मात्रा में पानी को सोख लेती है तो उसी नमी में वो धान के बीज का रोपण करते हैं और धान की खेती करते हैं। तो नमी के जरिए ही धान पैदावार, मतलब धान की पैदावार अच्छी खासी हो जाती है। तो इस प्रकार से आर्द्र भूमियों के द्वारा धान की उपज भी हो सकती है, तो ये कुछ फसलों का भी आश्रय स्थल होते हैं। तो यह कुछ कार्य थे और यह तो बहुत छोटे कार्य हैं, यह जो काम आप देख रहे हैं आर्द्र भूमियों के यह काफ़ी छोटे हैं। और भी अनेक अप्रत्यक्ष तरीकों से आर्द्र भूमियाँ हमारे पारितंत्र को सहयोग देती हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह तेजी से नष्ट हो रही है। जो मनुष्य की गतिविधियां हैं, मनुष्य की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसका यह भी शिकार बन रही है। जैसे पर्यावरण के अन्य घटक शिकार बनते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं, वैसे ही आर्द्र भूमियों के ऊपर भी संकट मंडरा रहा है। मनुष्य इन्हें समाप्त करके इसके ऊपर तरह तरह की चीजें बनवा रहा है, निर्माण कार्य कर रहा है। तो अब जब कोई चीज संकट में आती है तो उसके संरक्षण के प्रयास भी करने होते हैं, और संरक्षण का प्रयास कैसे होगा? दो स्तरों पर होता है, एक तो राष्ट्रीय स्तर होता है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर होता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारें होती हैं वो इसमें पहले पहल करती हैं, और फिर जो स्थानीय समुदाय होते हैं उसको उसमें सहयोग करना होता है। इस प्रकार से कोई भी जो योजना है वो आगे बढ़ती है। अगर इसमें से किसी ने भी सहयोग करने से मना किया तो वह योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बने हुए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, वह किसी योजना को या किसी मतलब थीम को जारी करते हैं और अलग अलग देश उसमें हस्ताक्षर करके अपना सहमति जताते हैं, मतलब देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। और हस्ताक्षर का मतलब यह है कि वो स्वीकृति देते हैं कि हम जो पहल हो रही है, जो योगदान का काम हो रहा है किसी चीज़ के संरक्षण के लिए, उसमें सहमत हैं, उसमें हम
पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे और जितनी भी सावधानियां हैं उनको बरतेंगे। तो इसी प्रकार के कुछ सम्मेलनों और कुछ रिकॉर्डों की चर्चा हम करेंगे। हम देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन से प्रयास हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के प्रयास आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए किए गए। तो आइए देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर के प्रयास हैं उनमें राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, यह जो कार्यक्रम आप यहाँ देख रहे हैं यह भी एक राष्ट्रीय स्तर का प्रयास है, जो जल स्रोत है उनके संरक्षण का, इसे हम NLCP के नाम से जानते हैं। झीलों को स्थिर जल निकायों के रूप में माना जाता है, ये बात आप जानते हैं। वहां पर पानी टिकाऊ होता है, बहता हुआ पानी नहीं होता, और इस जल की गहराई 3 मीटर के आसपास होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए, और आमतौर पर 10 हेक्टेयर से अधिक के पानी के क्षेत्रफल को घेरे हुए जो क्षेत्र होते हैं उन्हें झील कहा जाता है। और यहाँ पर जलीय वनस्पतियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि आर्द्र भूमियों में जलीय वनस्पतियां बहुत ढेर सारी मात्रा में होती है, तो झील की कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर या तो ये बहुत कम होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तब वो झील कहलाने के लायक होगी। इस प्रकार की चीजें हैं। और आर्द्र भूमियों की जो परिभाषा है इस कार्यक्रम के अनुसार, उसमें यह आमतौर पर 3 मीटर से कम गहरी होनी चाहिए। झील की गहराई 3 मीटर से ज्यादा की होनी चाहिए और जो आर्द्र भूमियां हैं उनकी गहराई 3 मीटर से कम की होनी चाहिए, तब वो आर्द्र भूमियां कहलाएंगी। स्वाभाविक है आर्द्र भूमियां उथली होती हैं, झील जितनी गहरी नहीं होती, और इनमें जो सुपोषण की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो मैंग्रोफाइट्स हैं यानी जलीय पादप हैं, बड़े वाले मतलब जिन्हें हम अपनी आँख से देख सकते हैं, ऐसे पौधे उगते हैं। आपने चित्र भी देखा है कुछ देर पहले। तो आर्द्र भूमि और झीलों में यहाँ पर अंतर बताया गया था। अब भारत की जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी अगर बात की जाए तो यह आर्द्र भूमियाँ यानी जो वेटलैंड्स हैं यह देश के 18.4% क्षेत्र पर स्थापित हैं, मतलब इतने बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं। यह जो आर्द्र भूमियाँ हैं यहाँ पर 18.4% का क्षेत्रफल घेरे हुए हैं, और उसमें से 70% धान की खेती के अधीन है। इसमें से जो 70% आर्द्र भूमियाँ हैं वो सिर्फ धान की खेती के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें धान के खेत हैं। धान के खेत भी क्या होते हैं, वो आर्द्र भूमियों जैसे ही होते हैं। जब तक अच्छी मात्रा में वहाँ पर पानी नहीं भरा रहेगा धान अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। धान पानी में ही पैदा होता है, पानी उसका सबसे मतलब मूल एलिमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो धान के खेत हैं या धान की खेती है उसके अधीन 70% आर्द्र भूमियाँ हैं, और टोटल अगर हम परसेंटेज देखें तो वह है 18.4% पूरे देश के क्षेत्रफल का। काफ़ी कम है लेकिन इनकी जो अनिवार्यता है और इनकी जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा है। अब जो अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियाँ हैं और तटवर्ती आर्द्र भूमियाँ हैं, या ऐसे कह लीजिए कि जो इनलैंड है मतलब इनर वेटलैंड है और जो तटीय वेटलैंड्स हैं मतलब कोस्टल हैं, उनकी अगर आपस में तुलना करें तो यहाँ पर अपने देश में मतलब भारत में अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ जो आप ये वाला चिन्ह देख रहे हैं ना, इसका मुँह, ये मगरमच्छ का मुँह समझ लीजिए, तो यह मुँह जिधर खुला होता है उधर की चीज़ बड़ी होती है, और जिधर इसका मुँह बंद होता है मतलब जबड़े का सिरा होता है जहाँ ये जुड़ा होता है वहाँ की चीज़ छोटी होती है। जैसे मान लीजिए इधर हमने 4 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, इसको ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, और कह दिया जाए, छोटी क्लासों में आपने गणित के सवाल हल किए होंगे कि ये वाला चिन्ह लगाइए या फिर ये वाला लगाइए, इन दो चिन्हों के माध्यम से इसमें जो अंतर है उसको दर्शाइए, तो आप कौन वाला चिन्ह लगाएंगे? ऐसा वाला लगाएंगे। ऐसा वाला क्यों लगाएंगे? क्योंकि इधर वाला जो मुंह खुला है इसका मतलब ये है कि 4 बड़ा है, और जिधर मुंह बंद है उसका मतलब क्या है कि इधर वाली संख्या छोटी है मतलब 2 छोटा है। तो वैसे ही यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है तटवर्ती आर्द्र भूमियों और तटीय जो आर्द्र माफ कीजिएगा जो अंतरस्थलीय आर्द्र भूमियाँ हैं और जो तटवर्ती आर्द्र भूमियाँ हैं उनके बीच में ये वाला निशान बना है, और ये जिधर खुला है उधर कौन सी आर्द्र भूमियाँ हैं? अंतरस्थलीय है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो इनर वेटलैंड्स हैं यानी अंतरस्थलीय आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और जो तटवर्ती आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी संख्या कम है। तो कुछ मायनों में ये अच्छी बात भी है। जो तटवर्ती आर्द्र भूमियाँ होती हैं वो किसी एक देश के अकेले के संरक्षण के प्रयासों से संरक्षित नहीं हो पाती, उसका संरक्षण करना थोड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि वो महासागरों से जुड़ी हुई होती हैं। जो तटवर्ती आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो समुद्र के साथ होता है, और समुद्र के साथ जुड़ी हुई चीज़ पर लगाम लगा पाना या उसे संरक्षित कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वो क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। लेकिन जो अंदर वाली आर्द्र भूमियाँ हैं वो सीमित क्षेत्र में होती हैं, तो उनका संरक्षण करना बड़ा आसान काम है अगर सरकारें और जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं वो उसमें लग जाएं, तो इन्हें बचाया जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है, मतलब इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अंतरस्थलीय आर्द्र भूमियों की संख्या ज़्यादा है।
अब राष्ट्रीय स्तर पर जो संरक्षण का कार्यक्रम था उसका नाम था राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, अर्थात NWCP। अंग्रेजी में अगर देखें तो NWCP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? NWCP। N से नेशनल, W से वेटलैंड, C से कंजर्वेशन और P से प्रोग्राम। तो ये नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, मतलब राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम वर्ष 1985 से लेकर 86 की जो अवधि थी, मतलब बीच की जो सत्र अवधि थी, उसमें लागू किया गया था। इसके लागू होने का जो समय है उसको आप देख लीजिए, यह है वर्ष 1985 से लेकर 86 के बीच का। और कार्यक्रम का नाम है NWCP। ये राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्रामों की बात हो रही है, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं हो रही है। अभी उसको भी हम देखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास है उसको भी देखेंगे, पहले इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, इनका नाम तो हो गया, ये कब लागू हुआ ये भी हो गया, और देख लीजिए इस कार्यक्रम के तहत, मतलब ये जो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत मंत्रालय द्वारा 115 आर्द्र भूमि साइटों की पहचान की गई है। अभी हाल ही में कुछ और आर्द्र भूमियाँ इसमें शामिल की गई हैं, मतलब डिक्लेयर हुई हैं नई। तो ये जुड़ती रहती हैं, आर्द्र भूमियों की पहचान कर करके उन्हें इसमें शामिल किया जाता रहता है, तो इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। और इसमें तत्काल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है, मतलब ये ऐसी आर्द्र भूमियाँ हैं जिनका संरक्षण करना जरूरी है। अगर इस समय इन्हें बचाया नहीं गया तो ये जल्दी ही नष्ट हो जाएंगी, ऐसा संकट इनके ऊपर मंडरा रहा है। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, ये आर्द्र भूमि संरक्षण का कार्यक्रम, ये करता क्या है? पहले तो ये चिन्हित करता है, मतलब आर्द्र भूमियों को एक तरह से चिन्हित करके बताता है सरकार को कि ये वाली आर्द्र भूमियाँ जो है ये ज़्यादा संकटग्रस्त हैं और ये वाली जो आर्द्र भूमियाँ हैं ये थोड़ी कम संकटग्रस्त हैं। तो जो ज़्यादा संकट में होती हैं, जिनके प्राण संकट में होते हैं और उनके नष्ट होने का खतरा होता है, उसे बचाने के लिए सरकार वहाँ पर कदम उठाती है, प्रयास किए जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। और यहाँ पर 115 की जो संख्या है वो अपडेट होती रहती है, तो इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए पर्यावरण हो या भूगोल, इसे करंट से लिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। और यह जो लेक्चर बनाया गया है, मतलब यह जो पर्यावरण का आप पूरा एक वीडियो लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, यह स्टैटिक पार्ट है। इसमें हालांकि जगह जगह जो करंट अफेयर है उसको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन फिर भी यह स्थैतिक भाग है। स्थैतिक इसलिए इसको बनाया गया है ताकि आप किसी भी समय कभी भी इसको पढ़ें तो इसकी उपयोगिता कम ना हो। अगर इसे करंट अफेयर के रूप का या प्रारूप का बना दिया जाता तो उसमें दिक्कत ये होती कि मान लीजिए वो एक साल के लिए उपयोगी होता है, लेकिन करंट अफेयर हमेशा बदलता रहता है, तो अगले साल अगर कोई पढ़ेगा तो उसके लिए वो उतना उपयोगी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इन्हें स्थैतिक ही रखा गया है, करंट अफेयर से आपको इन्हें लिंक करना होता है। खैर, यहाँ पर जितना संभव होगा उतना ही अद्यतन चीज़ों को डाला जाएगा, जैसे कि वन स्थिति रिपोर्ट को अद्यतन करके यहाँ पर शामिल किया गया है, वैसे ही आर्द्र भूमियों के बारे में भी जो अद्यतन जानकारी होगी वो इसमें शामिल की जाएगी। तो जितना हो सकेगा इसे अपडेट किया जाएगा, लेकिन फिर भी यह स्टैटिक पार्ट है। इससे आप जो अपने बेसिक्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद करंट से लिंक कर देंगे तो आप परीक्षा के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बातें हैं। अब देखिए, ये जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हैं इनका लक्ष्य क्या है, क्यों ये चलाए जा रहे हैं? तो स्वाभाविक है, ये संरक्षण के कार्यक्रम है, तो संरक्षण के जब कार्यक्रम है तो ये संरक्षित करने के लिए ही चलाए जा रहे हैं। आर्द्र भूमियों का संरक्षण, मतलब ये जो कार्यक्रम है ये करते क्या है? तो ये करते ये हैं कि यह आर्द्र भूमियों का संरक्षण करते हैं, पहली चीज, उनके क्षरण को रोकने और स्थानीय समुदायों के लाभ और जैव विविधता के समग्र संरक्षण के लिए उनके सुव्यवस्थित उपयोग को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। मतलब पहली चीज़ तो ये आर्द्र भूमियों को बचाते हैं, उनको जिस भी वजह से नुकसान पहुंच रहा है उस वजह को समाप्त करते हैं या उसका समायोजन करते हैं, और जो वहाँ के स्थानीय समुदाय होते हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनके साथ मिलकर भी जो लोकल लेवल है वहाँ पर प्रयास करते हैं, स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि जब तक स्थानीय समुदाय या वहाँ के आसपास के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे, कम से कम सहयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, तब तक आप किसी केंद्र वाली सत्ता पर बैठकर किसी चीज़ को, मतलब दूर दराज की कोई चीज़ है उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, ये मुश्किल काम है। तो जो वहाँ की जनता है उसकी भागीदारी ज़रूरी होती है, तो उसको भी यहाँ पर हासिल करने का काम ये कार्यक्रम करता है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यहाँ पर कई हैं। देश में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो नीतिगत दिशा निर्देश हैं उनको प्रस्तावित करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है पहचान किए गए आर्द्र भूमि क्षेत्र में गहन संरक्षण के उपायों के लिए वित्तीय सहायता देना। संरक्षण के उपाय बना देना ही बड़ी बात नहीं होती है, उन उपायों को क्रियान्वित करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो वित्तीय सहायता देने का काम भी यह कार्यक्रम करता है। पहली चीज़ तो उपाय करेगा, पहले पहचान करेगा कि आर्द्र भूमियाँ कौन सी ज़्यादा संकटग्रस्त हैं, फिर उस पर क्या उपाय लागू किए जाने चाहिए जिससे कि वो बच सके, ये एक रूपरेखा बनाई जाएगी।
उसके बाद उसके निमित्त बजट पास किया जाएगा और वित्तीय सहायता दी जाएगी जितनी उसे आवश्यकता होगी, और इन सब प्रयासों से आर्द्र भूमियों का संरक्षण करने का प्रयास किया जाएगा या कोशिश की जाएगी। यह एक उद्देश्य हो सकता है। इसके बाद जो अगला उद्देश्य है उसको भी देख लीजिए। तो देखिए, केंद्र सरकार आर्द्र भूमियों के मतलब आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर जो पहल है उसके समग्र समन्वयन के लिए जिम्मेदार है। मतलब इसकी जो टोटल जिम्मेदारी है, जो पूरा उत्तरदायित्व है, वो केंद्र सरकार का है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण का जितना भी कार्यक्रम यहाँ चलता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, दोनों के संचालन का काम भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। इसमें राज्य सरकारों की जो दखल अंदाजी है वो काफ़ी कम होती है, नहीं के बराबर होती है। और राज्य सरकारें जो हैं और केंद्र शासित प्रदेश, चूँकि हमारा देश कई प्रदेशों में बटा हुआ है, उसमें से कुछ जो है वो राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो लोकल गवर्नेंस है, उसमें आर्द्र भूमियों के प्रबंधन और NWCP के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है, ताकि उनके सुव्यवस्थित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। मतलब केंद्र सरकार ही योजनाएं बनाती है, वही बजट पास करती है, लेकिन उसको क्रियान्वित कराना ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर आप केंद्र में किसी सत्ता पर बैठे हुए हैं, केंद्र की कुर्सी पर आप विराजमान हैं, तो वहाँ से आप हर प्रदेश के प्रशासन को अपने हाथ से नहीं चला सकते, उसके लिए आपको सहयोगियों की आवश्यकता होगी। आप अकेले दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। एक सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारे असिस्टेंट भी चाहिए होते हैं, सिर्फ जो हेड होता है उसी से काम नहीं चलता। तो यहाँ पर केंद्र सरकार हेड का काम करती है, वही सब कुछ नियंत्रित करती है, लेकिन उसे संचालित करने का काम जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासन है वो करते हैं, और जो राज्य सरकारें हैं वो करती हैं, वो इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। ये सब उद्देश्य हैं। और ये उद्देश्य हम किस चीज़ का पढ़ रहे थे? यह जो NWCP है इसके बारे में हम देख रहे थे, जिसका नाम है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। आगे चलते हैं। और राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियां हैं उनको पहचानने का तरीका क्या है? यह जो NWCP है यह राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियां हैं उनकी पहचान करता है। मतलब जो संकटग्रस्त है उनको पहचानने का काम करता है, जिन्हें संरक्षण की जरूरत है उनको पहचानने का काम करता है। तो इसमें मानदंड क्या बनाया गया है, कैसे वो पहचानता है? तो NWCP के तहत राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र क्षेत्रों की पहचान के लिए जो मानदंड है, यानी जो इसमें एवरेज बनाया गया है, वह रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत निर्धारित किया गया है। यहाँ पर एक नाम लिया गया रामसर कन्वेंशन, और यहीं से बात बढ़नी शुरू हो जाती है, यहाँ से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। और अब ये बात लंबी खिंचेगी, लंबी इसलिए खिंचेगी क्योंकि रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे। यहाँ पर हम रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे और उसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात होगी, इस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी। तो NWCP जो मानक निर्धारित करता है, वह मानक वास्तव में उसके नहीं है। आर्द्र भूमियों को पहचानने का जो मानक उसने निर्धारित किया है वो उसका खुद का नहीं है, बल्कि ये रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स, मतलब ये एक प्रकार का सम्मेलन था जो कि रामसर नामक स्थान पर हुआ था। ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए था। तो यहाँ पर जो नियम कायदे निर्धारित किए गए थे उन्हीं का ये पालन करता है। अब नियम कायदे हैं क्या, तो आइए देख लेते हैं। पहली चीज तो प्रतिनिधि दुर्लभ या अद्वितीय आर्द्र भूमि प्रकार वाली साइटें हैं। मतलब इस प्रकार की जो आर्द्र भूमि स्थल हैं उनकी पहचान करना, जैसे कि उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक आर्द्र भूमि इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। इसके बाद प्रजातियों और पारिस्थितिकी समुदायों पर आधारित मानदंड होते हैं। वहाँ जो प्रजातियाँ निवास करती हैं और वहाँ के जो समुदाय होते हैं उनके आधार पर भी मानदंड फिक्स किए जाते हैं। यदि यह कमजोर लुप्त प्राय या गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों या फिर संकटापन्न पारिस्थितिकी समुदायों का समर्थन करता है, तो इस प्रकार की जो आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता होती है, अविलंब आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है, आपने देखा है कि आर्द्र भूमियां बहुत सारे जीवों को संरक्षण देती हैं। अनेकों जीव होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं, कुछ कशेरुकी प्राणी होते हैं, कुछ वनस्पतियाँ होती हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो यह जो चीज़ें हैं इनकी प्रजातियों का पहले तो अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है कि यह किस प्रजाति के हैं। यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं या अभी विलुप्त होने की ओर चल रहे हैं या एकदम से संकटग्रस्त हैं, किस प्रकार के हैं। और जब एक बार ये बात सामने आ जाती है कि यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं या अब इनके नष्ट हो जाने का या लुप्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसी अवस्था में उन आर्द्र भूमियों को तत्काल संरक्षण की जरूरत होती है। तो आर्द्र भूमियों का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर शुष्कता आ रही है, वहाँ का जो जल स्रोत है वो सूख रहा है तभी वो संकटग्रस्त है, ऐसा नहीं। वहाँ की जो जैव विविधता है अगर उस पर भी संकट मंडराएगा तो उन आर्द्र भूमियों पर संकट को माना जाएगा और उन्हें इस कन्वेंशन की जो सीमा रेखा है उसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। तो भारत में ऐसी रामसर साइटें बहुत सारी हैं, उन्हें हम देखेंगे। इसके बाद देखिए,
यदि यह एक विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों या पशु प्रजातियों की आबादी का समर्थन करती है, किसी विशेष क्षेत्र की जैव विविधता को ये संरक्षित रखने का काम करती है, आर्द्र भूमियाँ, तो इस मामले में भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, यहाँ पर ये तैरता हुआ पार्क है, पूरी दुनिया में तैरती हुई जमीन यहीं पर पाई जाती है, और यहाँ पर जो संघाई नाम का हिरन है वो पाया जाता है, जिसे कि डांसिंग डियर कहा जाता है, और जो यहाँ पर तैरती हुई स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं उन्हें फुंडी कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वो किसी खास जीव का आवास होती हैं, तो इस तरह की आर्द्र भूमियों को भी तत्काल संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरी जो शर्त है वो ये है कि यदि यह पौधे, इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए, अब देखिए, यदि यह पौधे या पशु प्रजातियों के जीवन चक्र की महत्वपूर्ण अवस्था में उनका समर्थन करती है, मतलब किसी खास अवस्था में कोई जीव प्रजाति या वनस्पति प्रजाति इनका आश्रय लेती है, तो ऐसी जो आर्द्र भूमियाँ हैं इन्हें भी इस कंजर्वेशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर वह महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होनी चाहिए और प्राकृतिक जो संरक्षण के साधन हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तभी उसे बचाया जाएगा। अगर वो किसी भी उद्देश्य से उपयोगी नहीं है तो उसे नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ये भी बात है। इसके बाद जल पक्षियों पर आधारित जो मानदंड हैं ये सब रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत मतलब निर्धारित किए गए नियम हैं, उन्हीं को हम यहाँ राष्ट्रीय संदर्भ में देख रहे हैं, मतलब NWCP के संदर्भ में देख रहे हैं। NWCP भी उसी का चेला है, उसी की बात मानता है। तो यहाँ देखिए, जल पक्षियों पर आधारित विशिष्ट मानदंड, जो जलीय पक्षी होते हैं, अब यदि यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय देती है या उसका समर्थन करती है, आश्रय देने का मतलब ये नहीं कि रहने के लिए आवास देती है, भोजन भी अगर उपलब्ध कराती है 20,000 से ज़्यादा जलीय पक्षियों को, तो इस मामले में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसे संरक्षण की कैटेगरी में रखा जाता है। और यदि यह नियमित रूप से किसी एक प्रजाति की आबादी में 1% या जल पक्षियों की उपप्रजातियों का समर्थन करती है तो भी, मतलब ये जलीय जीवों और जल प्रजातियों का संरक्षण करने में और उन्हें भोज्य उत्पाद उपलब्ध कराने में अगर अच्छा खासा योगदान दे रही है, तो इसे हम रामसर कन्वेंशन वाली जो सीमा रेखा है उसके अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे और इस संरक्षण कार्यक्रम में शामिल कर लेंगे, जो कि आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम है। इसके बाद मछली पर आधारित जो मानदंड है, अलग अलग जीवों को इसमें आधार बनाया गया है। अब मछलियों पर आधारित जो विशिष्ट मानदंड है वो कौन से हैं, तो यदि यह स्वदेशी मछली की उपप्रजातियों, जो स्वदेशी मछलियां हैं अपने देश में पाई जाने वाली मूल प्रजातियां हैं, उनकी प्रजातियों या उपप्रजातियों या उनके परिवारों के साथ अन्योन क्रिया करती है या उनकी अन्योन क्रिया में भागीदारी करती है या उनकी आबादी का जो एक महत्वपूर्ण अनुपात है वो यहाँ पर रहता है, तो ऐसी अवस्था में भी जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो उपयोगी हो जाती हैं। मतलब जो मछलियों की देशी प्रजातियाँ हैं वह यहाँ पर अगर निवास कर रही हैं और उनके जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जा रही हैं, तो इस प्रकार से भी आर्द्र भूमियों को उपयोगी मान लिया जाता है, उनके लाभ में इसको भी शामिल कर लिया जाता है, और यह वैश्विक जीव विविधता में योगदान देती है इस प्रकार से, तो यह जो है ये संरक्षण की हकदार हो जाती है। मतलब अगर जलीय जीवों का संरक्षण ये कर रही है तो इनका संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। ये जो मापदंड थे इन्हें हमने देखा। अब इसके बाद जो पांचवा है उसको देखिए, जल जीवन और संस्कृति के आधार पर जो विभिन्न मानदंड बनाए गए हैं उनको देख लेते हैं। यदि यह खाद्य और जल संसाधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनती है, मतलब इनके द्वारा खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है और जल संसाधन के लिए भी ये महत्वपूर्ण होती हैं, तो इस तरह की जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं यहाँ मनोरंजन के लिए संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। मनोरंजन क्यों? क्योंकि यहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा होगी और जैव विविधता ज़्यादा होगी तो ये मनोरंजन का केंद्र हो सकती है। तो इस प्रकार से एक पर्यटन वाली जो आमदनी है वो भी हो सकती है। जैसे किम्बुल लमजाओ वाला जो नेशनल पार्क है वह पर्यटन का एक क्षेत्र बन गया है और लोग उसे देखने जाते हैं, तो इससे सरकारी आमद भी होती है, तो इसलिए उसके संरक्षण का उपाय और ज़्यादा प्रबल तरीके से किया जाएगा। हालांकि उसकी जो उपयोगिता है वो सिर्फ इतनी ही नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है, लेकिन यह भी उसकी एक उपयोगिता में ही माना जाता है। तो ये कुछ बातें हैं। और पर्यावरण पर्यटन बेहतर प्राकृतिक मूल्यों, शैक्षिक अवसरों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, जिसमें कि सांस्कृतिक विरासत में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल दोनों हो सकते हैं, उनकी संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं। कुल मिलाकर वही है, टूरिज्म को बढ़ावा मिल जाता है और यहाँ लोग इन्हें देखने के लिए आने लगते हैं, घूमने फिरने और मनोरंजन के उद्देश्य से आने लगते हैं, तो यह आकर्षण का केंद्र बनती है और कमाई का जरिया बनती है। पर्यटन के उद्योग से किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसको बहुत ज़्यादा आमदनी होती है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में टूरिज्म का एक बड़ा योगदान होता है, तो यहाँ पर ये टूरिज्म का एक अच्छा केंद्र बन जाती है, देश विदेश से लोग इन्हें देखने आते हैं। इसके बाद
यहाँ पर आर्द्र भूमियों की जो इस पीडीएफ में चर्चा थी वो खत्म हो जाती है, और अगली जो चर्चा है वो ज्वार नदमुखी पारितंत्र पे होने वाली है, यानी एस्चुरी के बारे में हम कहने वाले हैं। हालांकि एस्चुरी जो होती है वह भी आर्द्र भूमियों जैसी ही होती है, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, तो उनके बारे में हम देखेंगे। लेकिन पहले जरा रामसर कन्वेंशन को देख लीजिए और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को देख लीजिए, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं तब आगे चलते हैं। यहाँ जो पीडीएफ है ये थोड़ा धुंधला है, लेकिन फिर भी जो अक्षर है वो आपको दिखाई देंगे। अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इनमें धुंधलापन है, उतने ज़्यादा चटक नहीं है जितने पीछे की जो प्रिंटिंग थी वो थी। खैर, आगे ऐसा नहीं होगा, ये वाली जो स्क्रीन है सिर्फ इतनी ही है। इसमें कुछ चीज़ों की परिभाषा दी हुई है, एक तो अनूप की परिभाषा दी है, दूसरी कच्छ की परिभाषा दी है, इसके बाद दलदल और फेन में अंतर बताया गया है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। अनूप शब्द का इस्तेमाल मिलता है, कच्छ यानी जो मार्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल मिलता है, दलदल का जो शब्द है ये भी यूज होता है, और फेन जो होती है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और इससे बहुत सारे अनोखे अनोखे प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षार्थियों को परेशान करने का काम करते हैं। तो आइए इनकी परिभाषा पहले देख लेते हैं, तब चलते हैं रामसर साइट्स की ओर, और उसके बाद तब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को भी देखेंगे। तो देखिए, अनूप ऐसी आर्द्र भूमियाँ हैं जिसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसे जरा आप छोटा करके देखिए, अनूप ऐसी आर्द्र भूमियाँ होती हैं जिसमें कि वृक्ष भी पाए जाते हैं, जबकि जो कच्छ क्षेत्र होते हैं यानी मार्सेज होते हैं वहाँ पर वृक्ष नहीं पाए जाते। लेकिन दोनों की जो विशेषता है वो क्या है, ये दोनों प्रायः बहते जल से संबंधित होते हैं, मतलब अनूप का भी संबंध बहते जल से होता है और जो मार्सेज होते हैं यानी कच्छ होते हैं उनका भी संबंध बहते जल से होता है, पानी बहता हुआ होना चाहिए, और इसलिए इनकी जो उत्पादकता है वो मैक्सिमम होती है, सर्वोच्च होती है। अनूप को आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है, ये जो स्वैम्प होते हैं, स्वैम्प्स होते हैं इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं, तो यह आर्द्र भूमि वन भी कहे जाते हैं, और ये नदियों या झीलों के किनारे हो सकते हैं, इनकी जो अवस्थिति है वो नदियों के किनारे या झील के किनारे हो सकती है। अब इनकी तुलना अगर हम मार्स से करें या मार्सेस से करें जो कि कक्ष है, तो कच्छ अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित होते हैं, मतलब बहता हुआ पानी दोनों में होता है, लेकिन ज़्यादा बहता हुआ जल अनूपों में पाया जाता है, कच्छ में उसकी तुलना में धीमी गति से बहता हुआ जल होता है। और इसमें पेड़ों की जड़ें पानी के अंदर तथा पत्ती और तने पानी के बाहर होते हैं, मतलब जो कच्छ वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर कच्छ की तुलना हम अनूप से करें तो जो कच्छ वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ पर पेड़ों की जड़ें पानी के अंदर होती हैं और पत्ती और तने बाहर होते हैं, और इनमें अनूप और कच्छ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से होती है, मतलब यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बहुत तेज गति से होती है, उसमें तीव्रता होती है, और इसलिए इनकी जो उत्पादकता है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये दो चीज़ें थी, एक तो अनूप था यानी स्वैम्प, और दूसरा था कच्छ यानी मार्सेस। इसके बाद आप दलदल और फेन को देख लीजिए, तो दलदल को हम कहते हैं बॉग, और फेन को अंग्रेजी में भी फेन ही कहा जाता है। तो दलदल कौन से क्षेत्र होते हैं, जहाँ पानी रुकता है और ज़मीन में कीचड़ उत्पन्न होता है और नीचे तक नमी पहुँच जाती है तो ज़मीन धंसने लगती है, अगर आपने उसमें पैर रख दिया तो आपका पैर अंदर चला जाएगा, और दलदल में अगर आप एक बार धंसना शुरू हो जाइए तो आप जितना ज़्यादा हाथ पैर चलाएंगे उतना ही ज़्यादा धंसेंगे, दलदल की ये विशेषता होती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचने लगता है, और ज़मीन चूंकि कठोर नहीं होती इसलिए आप अंदर जाने लगते हैं, तो इस प्रकार के होते हैं दलदल। और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पेड़ हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, मतलब ये वृक्ष रहित भी हो सकते हैं, वृक्ष सहित भी हो सकते हैं, लेकिन ये जलमग्न मृदा में ही पाए जाते हैं। जो मिट्टी है वो जलमग्न होनी चाहिए, ये पहली आवश्यकता है, मिट्टी में जब तक पानी नहीं होगा तब तक दलदल बनेगा ही नहीं, और इसमें पीट का संचय होता है, जो पीट मृदा है उसका संचय होने लगता है, और ये जो दलदल है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और अम्लीय प्रकृति का होने का मतलब ये है, मतलब ये जो दलदल है इनकी प्रकृति अम्लीय होने का मतलब ये है कि यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी नहीं, क्योंकि अम्लीय मृदा वनस्पतियों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं मानी जाती। और कुछ दलदल क्षेत्रों को जल की प्राप्ति और वर्षा के जल की बजाय, मतलब यहाँ पर जो दलदल होते हैं उनमें से कुछ को जल की जो प्राप्ति होती है वो किसी जल स्रोत या वर्षा के जल की बजाय भूमिगत जल से प्राप्त होती है, मतलब जमीन का जो पानी होता है वो इन्हें ऐसा बना देता है। कई बार क्या होता है, ऊपर से पानी आया और जमीन पर रुकने लगा तो इस प्रकार से दलदल बन गए, और कई बार जो भूमिगत जल का स्रोत होता है वो इन्हें दलदल में बदल देता है। अब जब ऐसी अवस्था होती है, मतलब इन्हीं दलदलों में जब इस तरह की अवस्था होती है कि जो भूमिगत जल है वो इन्हें दलदल में कन्वर्ट कर रहा है, जमीन को दलदल बनाने का काम कर रहा है, या धरातलीय अपवाह का ये शिकार हो जा रहे हैं, तो इस तरह के जो स्थलाकृतियाँ या इस तरह के जो स्वरूप होते हैं उन्हें फेन कहा जाता है।
और फेन की प्रकृति अम्लीय नहीं होती, इसमें बाहर का पानी नहीं होता। फेन और दलदल में यही अंतर है। दलदल में क्या होता है, बाहर से आकर पानी रुकता है, कहीं से भी जल का जमाव होता है, चाहे वो वर्षा का जल हो या किसी भी प्रकार का जल हो, अगर किसी जमीन पर लंबे समय तक रुका हुआ है तो वहां की जमीन पानी को सोखेगी और एक लिमिट तक ही सोख सकती है, उसके बाद पानी क्या होगा, अतिरिक्त होने लगेगा और वो जमीन पोली होने लगेगी, मतलब उसमें धंसाव उत्पन्न होने लगेगा, वो कठोर नहीं रह जाएगी। ऐसी अवस्था में दलदलों का निर्माण होता है। तो ये जो पानी आता है ये ऊपरी जल स्रोतों से आता है, वर्षा के द्वारा आए या कहीं से बह कर आए। लेकिन जो फेन होते हैं, फेन में यही अंतर होता है कि यह दलदलों की तरह ही तो होते हैं, मतलब इनकी जो प्रकृति है वो दलदलों जैसी ही होती है, लेकिन इनमें जो जल का स्रोत होता है वो अंदर से होता है, जो भूमिगत जल है या जो धरातलीय अपवाह है उससे इन्हें नमी की प्राप्ति होती है, जिसकी वजह से जमीन में मुलायमियत आ जाती है, लचीलापन आ जाता है और ये बन जाते हैं फेन। अब दोनों में एक और अंतर होता है कि दलदल अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जो फेन का जल होता है या फेन की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि धरातल का जल अम्लीय प्रकृति का नहीं होता। जो धरातल का जल होता है भूमिगत जल, उसकी प्रकृति अम्लीय नहीं होती, वो मीठे पानी का स्रोत होता है, इस वजह से जो फेन होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय नहीं पाई जाती। ये तो परिभाषा हुई दलदल और फेन की। इसके पहले हमने अनूप और कक्ष को देखा, इसे आप यहां देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आर्द्र भूमियों का रामसर सम्मेलन। आर्द्र भूमियों पर जो रामसर सम्मेलन हुआ था यह वर्ष 1971 में हुआ था, मतलब इसका जो आयोजन था वो 1971 में किया गया। यह आयोजन कब हुआ था, यह 1971 में हुआ था। अब रामसर नाम क्यों है, तो 1971 में जब इसका आयोजन हुआ तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, अगर आप इसकी परिभाषा को देखेंगे तो 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर, रामसर एक जगह का नाम है। ये कहाँ पर है, तो ये कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में स्थित है। इसकी जो अवस्थिति है वो ईरान में है, और किस समुद्र के तट पर है, तो ये कैस्पियन सागर के तट पर है। और यहाँ पर एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय, कई उद्देश्यों को एक साथ लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आर्द्र भूमियों और उनके जो संसाधनों के संरक्षण है, मतलब आर्द्र भूमियों से जो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं उनके संरक्षण और उन्हें युक्तियुक्त का मतलब है बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करने के लिए जितनी भी राष्ट्रीय कार्रवाइयाँ आवश्यक थी उन सब के लिए यहाँ पर प्रयास किया जाने वाला था, और ये सम्मेलन इसीलिए आयोजित हुआ था। मतलब इसका उद्देश्य क्या था, आर्द्र भूमियों का संरक्षण। और ये किस प्रकार का सम्मेलन है, तो ये अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन है। ये एक अंतर सरकारी सम्मेलन था और इसका उद्देश्य कई था। अब उद्देश्य कौन कौन सा है, एक तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ये सबसे पहली प्राथमिकता थी, और उसके संसाधनों का संरक्षण, आर्द्र भूमियों से जिन संसाधनों की हमें प्राप्ति होती है उसका संरक्षण और उसका बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग। ये नहीं कि मनमाना उपयोग करने लगे, जो आर्द्र भूमियों से हमें संसाधन प्राप्त होते हैं उनका एक बेहिसाब इस्तेमाल नहीं, एक बुद्धिमत्ता पूर्वक अगर उपयोग किया जाए तो हम उनसे मतलब जितना भी फायदे की चीज़ें हैं वो ले भी सकते हैं और उनका विनाश भी नहीं होगा, वो बनी भी रहेंगी। तो इस प्रकार के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक रूपरेखा तय की गई, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसमें ये सब बातें हुई कि राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए देश अपने लेवल पर कौन से प्रयास करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है वो इसको बचाने के लिए क्या करने वाला है। दो तरह की संस्थाओं की बात की गई, एक तो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं होंगी, जैसे हमने पीछे NWCP के बारे में देखा, वह राष्ट्रीय स्तर का प्रयास था, और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के प्रयास होंगे इसकी पूरी एक रूपरेखा, एक ढांचा यहाँ पर तैयार किया गया। और ये जगह थी रामसर। रामसर है कहाँ पर, तो ये ईरान में है कैस्पियन सागर के तट पर, और ये सम्मेलन हुआ था वर्ष 1971 में। ये तो बात हुई सम्मेलन के बारे में और इसके उद्देश्य के बारे में। अब रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरणीय संधि है। मतलब वैसे तो पर्यावरण की दिशा में बहुत सारे सम्मेलन, बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं वो आयोजित की जा चुकी हैं, अलग अलग प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते रहते हैं, लेकिन रामसर कन्वेंशन एक अपने आप में अनोखा सम्मेलन है। क्यों अनोखा है, क्योंकि ये किसी खास पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है। इससे पहले किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र को आधार बनाकर कोई सम्मेलन या कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं चलाया गया था, लेकिन यहाँ पर आर्द्र भूमियों को केंद्र बना लिया गया है, ये बड़ी बात है। और वर्तमान में इस सम्मेलन में 169 पार्टीज हैं, 169 पार्टीज हैं, कुल 169 पार्टीज का मतलब क्या, देश शामिल हैं। और यह समझौता 1975 में लागू हुआ था, इसकी जो लागू होने की डेट है वो 1975 है। ये सम्मेलन हुआ कब था, 1971 में हुआ था,
ये समझौता जो रामसर में हुआ था ये लागू कब हुआ? 1975 में लागू हुआ, उसके 4 साल बाद। और भारत ने इसमें कब हिस्सेदारी की, मतलब भारत इसमें कब स्वीकृति अपनी सहमति देता है, तो वह सन था 1982। ये इसका क्रम है। स्थापना हुई थी 1971 में, यह लागू हुआ 1975 में, और हमारा देश इसमें शामिल हो गया, मतलब इसके हस्ताक्षरकर्ता देशों में सम्मिलित हो गया 1982 में। ये कुछ बड़ी बातें हैं। और भी चीज़ें देख लेते हैं। आर्द्रभूमियों के महत्वपूर्ण कार्यों, मूल्यों और सेवाओं की जानकारी न होने के कारण आर्द्रभूमियों का कोई उपयोग नहीं जानता, बल्कि उन्हें खराब निगाह से देखा जाता है। जो स्थलीय आर्द्रभूमियाँ होती हैं, मतलब आंतरिक जो आर्द्रभूमियाँ हैं, उसमें ज़्यादातर गढ़ी और पोखरे आते हैं जो कि उथले जल के स्रोत होते हैं। वहाँ पर बहुत सारी जलकुंभियाँ और बगुले और इस प्रकार के अनेकों जीव निवास करते हैं। उनको लोग बुरी निगाह से देखते हैं, सोचते हैं कि ये कचरा इकट्ठा हुआ है और डेंगू के मच्छर या कोई भी जो मच्छर की प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पनप सकती हैं, मतलब उसे रोग का घर मानते हैं। कहते हैं कि यहाँ से रोग फैल सकता है, इस जल के स्रोत को जल्दी ही पाट देना चाहिए। लोग गढ़ियों को पाटने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन असल में वो क्या है, वो आर्द्र भूमियाँ हैं। अगर उनको सुंदर रूप दे दिया जाए तो वो प्रकृति को बहुत कुछ देंगी। उसकी तुलना में वहाँ एक बड़ी सी इमारत खड़ी करके अगर कोई उद्योग लगा दिया जाएगा तो वो उतना हमारे वायुमंडल को, हमारे पर्यावरण को दे नहीं पाएगा, बल्कि उससे लेगा ही, उसका विनाश ही करेगा। लेकिन ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं ये देंगी, परंतु जो मनुष्य है वो क्या करता है, वो इन्हें नष्ट करके इसके स्थान पर मकान खड़ा कर लेगा। गढ़ियों को पाट कर जगह बना लिया, वहाँ पर मकान बना लिया। पहले बहुत सारी पोखरियाँ होती थी, पहले के लोग मिट्टी के घर बनाते थे। गाँवों में इनका निर्माण कैसे होता था इस बात को जान लीजिए। पहले का जो मनुष्य था वो मिट्टी से घर बनाता था, ऊपर खपरेल की छतें होती थी, तो इन सब के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती थी। जो खपरेलें होती थी उनका भी, उनको आवा में डालकर पकाया जाता था, कुम्हार बनाते थे, तो वो भी बनती कैसे थी, वो मिट्टी से ही बनती थी। और पूरा घर मिट्टी की दीवारों का बना होता था, बाँस और मिट्टी से बनती थी। तो मिट्टी आती कहाँ से थी, गाँव के किनारे किनारे की जो ज़मीन होती थी, जो परती ज़मीन होती थी, उसको खोद कर मिट्टी निकाली जाती थी और वहाँ से गाँव वाले मिट्टी ले आकर घर बनाते थे। तो जहाँ से मिट्टी निकलती थी वहाँ गड्ढे बनते थे, और जब गड्ढे बनते थे तो वहीं पर गांव का जितना भी निकासी वाला पानी होता है, गांव से जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो उन गड्ढों की तरफ मोड़ दी जाती थी। तो सारा जो अपशिष्ट पानी है वो उन गड्ढों में जाकर गिरता था, इस प्रकार से वहां जल जमाव होने लगता था। और जब बरसात होती थी तो वह पानी से लबालब भर जाती थी, और इस प्रकार से वहां पर आर्द्र भूमियों का एक पूरा तंत्र खड़ा हो जाता था। ये गढ़ियाँ बनती थी, और ये जो गढ़ियाँ होती थी ये अपने आप में बहुत ही प्रचुर स्रोत होती थी अलग अलग तरह की जैव विविधता का। यहाँ पर बांस के वृक्ष पाए जाते थे, इसके अलावा बहुत सारे जीवों का ये निवास स्थान होती थी, और ज़मीन को रिचार्ज करने का काम तो करती ही थी, इस प्रकार की होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, उन्हीं गांवों में उन्हीं गढ़ियों को पाट कर उसके स्थान पर मकान बन रहे हैं, उन्हें समतल करके ऊँचे ऊँचे मकान लोग खड़ा करके बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है, ये वास्तव में विनाश का स्रोत है। तो जब तक हम इनका महत्व नहीं जानेंगे, इनकी सेवाओं के बारे में नहीं जानेंगे, इनकी कीमत नहीं पहचानेंगे, तब तक हम इनका संरक्षण करने से रहे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि हम जो हमारी प्रकृति है, मानव जाति की प्रकृति है, वो स्वार्थी है। जब तक कुछ फ़ायदा ना हो तब तक हम किसी चीज़ को बचाते नहीं हैं। तो वही चीज़ है, इसलिए वैश्विक समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए रामसर कन्वेंशन तैयार किया गया। मतलब रामसर कन्वेंशन को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि यह लोगों में जागरूकता ले आ सके, और इसीलिए इसे एक खास पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित कर दिया गया। और वो खास जो पारिस्थितिकी तंत्र था वो आर्द्र भूमियों का था। अब यहाँ पर जो आर्द्र भूमियों का ये सम्मेलन है, यानी रामसर सम्मेलन, यह करता क्या है, देशों की सरकारों में जागरूकता ले आता है और उनसे कहता है कि आप अपने स्थानीय जो लोग हैं, जो आपके देश की जनता है, उसको अलर्ट करिए, उसको अवेयर करिए, जागरूक करिए, जिससे कि वो अपनी आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए खुद खड़ी हो, प्रयास करे। क्योंकि जब तक स्थानीय लोग सहयोग नहीं देंगे तब तक इनका संरक्षण हो नहीं सकता। अब इसके बाद यह जो रामसर सम्मेलन है या कन्वेंशन है, इसकी हम बात कर रहे हैं, यह संयुक्त राष्ट्र के जो कार्यक्रम चलते हैं पर्यावरण की दिशा में या अलग अलग दिशाओं में, उसके अंतर्गत नहीं आता। मतलब उन संधियों से इसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये बड़ा प्रयास है, लेकिन फिर भी ये संयुक्त राष्ट्र के जो अपने कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित नहीं है। और सम्मेलन के जो पक्षकार देश होते हैं, जो इसमें शामिल होते हैं और अपना समर्थन देते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनके अपने दायित्व होते हैं। वो दायित्व क्या है, तो आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में नामित करना, मतलब अपने यहाँ के जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, उनको पहले तो पहचानना कि वह कितनी संकटग्रस्त हैं और कितनी उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। और जब एक बार उनकी पहचान हो जाए तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली जो आर्द्र भूमियों की लिस्ट है उसमें शामिल करवाना, ये उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि रामसर कन्वेंशन तो एक विश्व स्तर का सम्मेलन था,
अब वो हर देश में जा जाकर सर्वे तो कर नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में जो देश है उसे अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। तो उसका यही प्रयास होगा कि पहले तो वो पहचाने कि कहाँ की आर्द्र भूमियों पर ज़्यादा खतरा है और किन्हें ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है। इसके बाद जहाँ तक संभव हो सके इस सम्मेलन के जो उद्देश्य हैं और इसको समर्थन देने वाले जो देश हैं उनके जो कर्तव्य हैं उनकी बात की जा रही है, तो जहाँ तक संभव हो सके आर्द्र भूमियों या उस क्षेत्र में, मतलब जो आर्द्र भूमियों का इलाका है, उसका बुद्धिमानी भरा उपयोग किया जाए। मतलब जितना सीमित संसाधनों का वहाँ से उपयोग कर सके उतना ही किया जाए। ये नहीं कि मनमाने तरीके से वहाँ से वनस्पतियों को ले रहे हैं, जीवों को ले रहे हैं और आर्द्र भूमियों पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं, मतलब उन्हें पाटते जा रहे हैं और वहाँ घर बनाते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जागरूकता फैलाना और सीमा क्षेत्रीय जो आर्द्र भूमियाँ हैं, सीमा क्षेत्रीय आर्द्र भूमियों का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जो कि दो या दो से अधिक देशों की सीमाओं पर अवस्थित हैं, मतलब उसमें कई देशों की हिस्सेदारी है, किसी एक देश का वो भूभाग नहीं है। कई सीमावर्ती, मतलब सीमावर्ती आर्द्र भूमियों में कई देशों की सीमाएँ वहाँ आकर मिल रही हैं, तो ऐसे में साझा प्रयास करना होगा क्योंकि कोई एक देश इसमें भागीदारी नहीं कर सकता। जितने भी देश अपनी सीमाओं को यहाँ साझा करते हैं या जिनकी सीमाओं में ये आर्द्र भूमियाँ आती हैं, उन सबको मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत होगी। जैसे कि पानी की व्यवस्थाओं के लिए नदियाँ जो हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, तो वहाँ जल का बंटवारा होता है और कभी कभी इस पर विवाद भी होता है, बहुत बार तरह तरह के डिस्प्यूट होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। वैसे ही एक देश से दूसरे देश में जब नदी घाटी परियोजनाओं का प्रवेश होता है, जैसे सिंधु नदी है अपने देश में है और अपने देश से फिर पाकिस्तान में गई है और वहाँ से फिर अरब सागर में गिर गई है, तो जल का विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, तो उस प्रकार से आपस में सहमति होनी चाहिए, तभी हम आर्द्र भूमियों का पर्याप्त तरीके से संरक्षण कर पाएंगे। ये बात है। और आर्द्र भूमि रिजर्व बनाना, आर्द्र भूमि रिजर्व क्षेत्र जब बनेंगे तो इनके संरक्षण के प्रति लोगों में ज़्यादा जागरूकता आएगी और इसे एक संरक्षित एरिया का जब नाम दे दिया जाएगा, मान्यता मिल जाएगी, तब लोग इसे ज़्यादा मानने लगेंगे। मान्यता जब तक किसी चीज़ को नहीं मिली होती तब तक उसकी उसका कोई महत्व नहीं होता। आप ऐसे कह दीजिए कि ये आर्द्र भूमि बहुत कीमती है तो लोग नहीं मानेंगे, उसको उसी तरीके से दुरुपयोग करते रहेंगे जैसा पहले कर रहे थे, और अभी सरकार आए वहाँ पर एक बढ़िया लेबल लगा दे और उसे किसी बढ़िया दस्तावेज में अच्छे से नाम के साथ दर्ज करवा दे, मतलब उसके पास एक प्रमाणिक सर्टिफिकेट आ जाए, तो लोग सिर झुकाकर उसी का पालन करेंगे। ऐसी प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, जब तक किसी चीज़ को महत्व नहीं मिलता, मान्यता नहीं मिलती, तब तक अपने से कोई उसका महत्व नहीं समझ पाता। तो वही चीज़ है, जैसे आप अपने को ही ले लीजिए, अभी आप सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के दौरान बहुत से लोग आपसे कहते होंगे कि अरे तैयारी कर लेना ही IAS या PCS बन जाना नहीं होता, बन के दिखाओ तो जाने, अभी तुम बड़ा कलेक्टर बन के खुद को दिखा रहे हो। लेकिन जब आप बन जाइएगा तो इन्हीं लोगों के जो स्वर हैं वो बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक मान्यता मिल गई, आपने अपने आप को सिद्ध कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ आर्द्र भूमियों के साथ भी होती है, जब तक ये खुद को सिद्ध नहीं करेंगे या देश इनको सिद्ध करके नहीं बताएंगे कि ये अच्छी आर्द्र भूमियाँ हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तब तक जो स्थानीय समुदाय है वो इसको महत्व नहीं देगा। ये बड़ी बात है। तो इन चीज़ों को करवाने का काम ये रामसर सम्मेलन में निर्धारित हुआ था, मतलब इसका निर्धारण हुआ था। और जो देश है यहाँ पर, जिन देशों की बात की जा रही है, वह देश इसमें भागीदारी करते हैं, तो उनका भी काम है कि जो रामसर कन्वेंशन में मानदंड निर्धारित हुए थे उनको इसमें मनवाया जाए। अब पीछे हमने जिस राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम की बात की थी उसको यहाँ थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। मतलब हम NWCP के बारे में देखने वाले हैं। NWCP यानी नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो ये भारत सरकार का अपना एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। ये कैसे चलाया गया, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आपने पीछे तो इसकी सनअवधि देख ही ली है। भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से, मतलब जो राज्य स्तर की सरकारें हैं उनका सहयोग लेकर वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अब तक 115 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई है, और ये जो संख्या है ये बढ़ गई है, आर्द्र भूमियों की संख्या वर्तमान में बढ़ी है, कुछ और नई आर्द्र भूमियाँ पहचानी गई हैं। इसके बाद इन्हें तत्काल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता थी, मतलब इन्हें संरक्षण जरूरी था, अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो इनके विनाश का खतरा निश्चित रूप से मंडरा रहा था। और इसमें से रामसर समझौते के अंतर्गत भारत की 26 आर्द्र भूमि क्षेत्र शामिल किए गए थे। तो रामसर कन्वेंशन में जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं उनको शामिल करने का एक मापदंड होता है, मानदंड होता है, वो चीज़ आप पीछे देख चुके हैं, तो उसके आधार पर शामिल किया जाता है। तो इनकी संख्या घट और बढ़ सकती है, जो आर्द्र भूमियों के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्र हैं उनकी भी संख्या और रामसर कन्वेंशन में जो आर्द्र भूमियाँ शामिल हैं उनकी भी संख्या, इसमें घटाओ या बढ़ाओ हो सकता है। इसके बाद NWCP के तहत वित्तीय सहायता दो घटकों अर्थात प्रबंध कार्य योजना और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दी जाती है, मतलब दो तरीके की सहायता यहाँ पर NWCP देता है, ये जो
प्रोग्राम है भारत सरकार का, इसके द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, ये बात आपने देखी। वो दो तरीकों से दी जाती है या दो मदों में दी जाती है, दो प्रकारों में दी जाती है। कौन कौन सा? एक तो प्रबंध कार्य योजना के लिए दी जाती है, जिसे कि हम MAP कहते हैं, और दूसरा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दी जाती है। और इसकी जो मात्रा है वो 100% होती है, मतलब 100% जो वित्त पोषण है वो NWCP के तहत जो केंद्र सरकार है वो करती है। दो तरह की परियोजनाओं के लिए यहाँ योगदान होता है और ये वित्तीय योगदान है। तो हमने आर्द्रभूमियों के बारे में काफ़ी कुछ देखा, आर्द्रभूमि सम्मेलन को देखा, और ये आर्द्रभूमि सम्मेलन कैसा सम्मेलन था? रामसर सम्मेलन था, इसी को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका आयोजन 1971 में हुआ था और यहाँ पर आर्द्रभूमियों के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया और आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए जो अलग अलग देश हैं उनसे सहमति ली गई और उनके स्तर पर अलग अलग प्रयास किए गए। यहाँ तक हम देख चुके हैं, अब चलते हैं और देखते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब क्या? किसी चीज़ को एक जगह डाटा के रूप में इकट्ठा करके रखा जाए ताकि समय आने पर हम उसका निरीक्षण कर सकें। एक तरह का ये रजिस्टर है, एक पंजीकरण की डायरी है, जिसमें कि पंजीकरण किसका किया जाता है? आर्द्र भूमियों का। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन के तहत, ये रामसर सम्मेलन के अंदर का ही हिस्सा है या उसी के अंतर्गत है, इसके तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूचियों पर, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट तैयार की जाती है, और ऐसे आर्द्र भूमियों का यह एक रजिस्टर है। यह एक प्रकार का क्या है? रजिस्टर है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको नामांकित किया जाता है, उनका नाम शामिल किया जाता है, और जहाँ पर तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय जो हस्तक्षेप हैं उनके कारण जो पारिस्थितिकी का स्वरूप है, वहाँ का जो पारितंत्र है वो नकारात्मक तरीके से बदल रहा है, मतलब वहाँ की जो जैव विविधता है उन पर संकट मंडरा रहा है, और वो जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे क्षेत्रों को यहाँ पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। अब देखिए, नकारात्मक परिवर्तन आ गया है, आने वाला है या आ रहा है, दोनों ही चीज़ें हैं, तीनों ही चीज़ें हैं इसमें, मतलब भविष्य में नकारात्मक बदलाव आने की संभावना हो तो भी इस रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है, वर्तमान में बुरी तरह से प्रभावित हो तब भी शामिल करते हैं, और इसके पीछे भी ऐसी संभावना रही हो तो इसके लिए भी इन्हें शामिल किया जाता है, मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को इसमें ध्यान में रखकर आर्द्र भूमियों के नामों को पंजीकृत किया जाता है। ये है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे आपकी पंजीकरण पुस्तिका होती है, जैसे अटेंडेंस लगता है क्लास में, जो टीचर है वो बच्चों का नाम दर्ज करके एक एक नाम बोलते हैं और उपस्थिति दर्ज की जाती है, अटेंडेंस होता है, तो वैसे ही यहाँ पर आर्द्र भूमियों का भी नाम लिखकर उन्हें पंजीकृत किया गया है। और ये जो रजिस्टर है यह हमें यही बताता है कि इसमें जो शामिल आर्द्र भूमियाँ हैं वह वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं, लेकिन उन पर संकट मंडरा रहा है, वह संकटग्रस्त है या भविष्य में उनके संकटग्रस्त होने की संभावना है, ये बात यहाँ से निकल कर आती है। अब देखिए, इस रिकॉर्ड में स्थलों को जोड़ना या हटाना, दोनों काम, यहाँ से किसी चीज़ को निकालना, मतलब किसी स्थान को निकालना और हटा देना, ये दोनों उस क्षेत्र की पार्टीज की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, मतलब उस स्थान की जो लोकेलिटी है या वहाँ की जो सरकार है उसकी परमिशन के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में से किसी भी देश की आर्द्र भूमि को जब मन चाहा तभी निकाल दिया, इसमें उस देश का समर्थन मिलना आवश्यक है तभी निकाला जा सकता है। अब देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत का सबसे जो पहला स्थल शामिल हुआ था वो राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था। ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया? 1990 में। ये राजस्थान में है, ये याद रखिएगा, और ये भारत का सबसे पहला स्थल था जिसे कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत ले आया गया। और 1993 में ओडिशा की चिल्का झील और मणिपुर की जो लोकटक झील थी उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया। सरकारी प्रयासों से जो 2002 का सन था, मतलब 1993 में आप देख रहे हैं कि जो ओडिशा की चिल्का झील है वह इसमें शामिल होती है, लेकिन 2002 में चिल्का झील इससे बाहर आ जाती है। क्यों बाहर आती है? क्योंकि इस पर जो संकट मंडरा रहा था उसका स्थानीय स्तर पर समाधान कर दिया गया, मतलब इसका जो पारिस्थितिकी संकट था वो टल गया, और जब ये संकटग्रस्त वाली श्रेणी से बाहर आ गई तो इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल लिया गया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आर्द्र भूमियों का शामिल होना चिंता का विषय है, ये खुशी की बात नहीं है कि यहाँ नाम दर्ज हो गया तो बहुत बड़ा नाम कर लिया, ये कोई गर्व का विषय नहीं है, ये सोचने और चिंता का विषय है, इसलिए क्योंकि उन आर्द्र भूमियों पर जान का खतरा मंडरा रहा है, मतलब वो नष्ट होने वाली है, तो उनके मरने वाली कंडीशन जब पैदा होती है तब उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। तो ये चिल्का झील के लिए अच्छी बात थी कि इसे 2002 में वहाँ से बाहर कर दिया गया, क्योंकि इसकी पारिस्थितिकी स्थिति सुधर गई थी। अब देखिए,
और उसे मॉन्ट्रेक सूची से बाहर निकाल दिया गया, जबकि लोकटक झील अभी भी सूची में शामिल है। इस पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। जो मणिपुर की लोकटक झील है वो अभी भी संकटग्रस्त की सूची में शामिल है। यह एक आर्द्र भूमि है, इसके बारे में आपने देखा, किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क, उसके बारे में आप सुन चुके हैं। तो ये सब आर्द्र भूमियों पर किए गए प्रयास हैं, और ये मॉन्ट्रेक्स रजिस्टर ये वास्तव में जो खराब कंडीशन वाली आर्द्र भूमियाँ हैं उन्हीं के नाम को यहाँ पर पंजीकृत करता है। और इसका सीधा कनेक्शन रामसर कन्वेंशन से है, यानी रामसर सम्मेलन से है, जिसका आयोजन 1971 में ईरान में हुआ था। हमने जलीय पारितंत्र के बारे में चर्चा शुरू की थी, और इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने आर्द्र भूमियों पर काफी विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब जो अगला लेक्चर होगा, अगला जो वीडियो होगा, उसमें हम मैंग्रोव वनस्पतियों के बारे में और जो ज्वार नदमुखी पारितंत्र है उन सब के बारे में देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।